लास्ट मैंने जो आपको कंसेप्ट सिखाए थे लास्ट क्लास में, जिसमें हमने सेंटर ऑफ मास का मोशन से रिलेटेड कंसेप्ट सिखा था कि अगर नेट फोर्स किसी सिस्टम पे जीरो दिखता है किसी डायरेक्शन में, तो फिर उस केस में अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो सेंटर ऑफ मास विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट, और ये तब तक होगा जब तक कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स आपके सिस्टम पे एक्ट नहीं करता है। तो इससे इससे रिलेटेड आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ, अच्छा जो पॉपुलर सा क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। इमेजिन करो एक सिचुएशन आपको दिया हुआ है, लेट अस से ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है एंड इस पे एक प्लैंक रखा हुआ है, एंड प्लैंक पे मान लो एक इंसान खड़ा है, ठीक है। इंसान हैज अ मास ऑफ स्मॉल एन एंड प्लैंक हैज अ मास ऑफ कैपिटल एन, ठीक है। दिस सरफेस ऑन विच द प्लैंक इज कैप्ट इज स्मूथ, बट द सरफेस बिटवीन द प्लैंक एंड द मैन इज रफ, सो दैट द पर्सन कैन वॉक ओवर द प्लैंक, ठीक है। अगर रफनेस नहीं होगा तो इंसान प्लैंक पे वॉक ही नहीं कर पाएगा। नाउ इनिशियली द सिस्टम इज रेस्ट, इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट, दे हैव गिवन अस सिस्टम इज एट रेस्ट, दे हैव गिवन दिस। नाउ द क्वेश्चन सेज द पर्सन The person walks a distance L over the plank with a speed Vmp relative to plank. The question is, पहला पार्ट ये है, find the displacement of the plank, ये कितना होगा, और दूसरा velocity of person with respect to ground कितना होगा, ये कितना आएगा, आपको ये निकालनी है, ठीक है। ये दो डेटा आपको निकालनी है। अब ये देखो, अब कंडीशंस चेक करो, पहले उसने क्या कह रखा है, इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है, तो कंडीशंस को मैथमेटिकली लिखना सीखो। UCM आपको जीरो गिवन है, ठीक है, एंड F नेट जो है सिस्टम पे ये भी जीरो है, तो इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये आपकी जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, बेस्ट तरीका ये है कि आप क्या करो, यहाँ पे एक ऐसा बाउंड्री खींचो यहाँ पे जो इनिशियल पोजिशन को मार्क करता है, पर्सन के इनिशियल पोजिशन को, और यहां से ही आप क्या करो, अपना सिस्टम को थोड़ा सा आगे मूव करा दो, ठीक है। मान लेते हैं कि हम सिस्टम को आगे मूव करा देते हैं बाय सम डिस्टेंस एक्स जो हमें निकालना है, ठीक है। ये प्लैंक आगे मूव कर चुका है, मैंने ये मान लिया है कि प्लैंक जो है वो डिस्टेंस एक्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर चुका है, इट हैज मूव्ड एक्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इट हैज सेड दैट द पर्सन इज ऑल्सो मूव्ड अ डिस्टेंस एल ओवर द प्लैंक। डिस्टेंस एल ओवर द प्लैंक मतलब विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक ही दे रखा है, ठीक है, ठीक है। दिस इज एल। तो अगर आप नोटिस करोगे तो डायग्राम में जो मैंने चूज किया है, मैन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एक्स प्लस एल हुआ है, नहीं हुआ है, सर। और प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एक्स हुआ है ना, यस। तो फॉर्मूला में क्या लिखना चाहिए, एम वन इंटू डेल्टा आर वन प्लस एम टू इंटू डेल्टा आर टू, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। अब एम वन किसी एक को मान लो, मान लो हमें मैन को ही हम एम वन मान लेते हैं, तो एम इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एल प्लस एम टू हम प्लैंक को मान रहे हैं, तो एम इंटू एक्स दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो इससे एक्स की वैल्यू मिल गई है, यार ये माइनस ऑफ एम एल डिवाइडेड बाय एम प्लस एम आ रही है। ये देखो, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट, ये नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, व्हाट इज दिस नेगेटिव इंडिकेटिंग, दैट द प्लैंक रिकॉइल्स, प्लैंक रिकॉइल्स, ये फॉरवर्ड नहीं मूव करेगा, ये बैकवर्ड मूव करेगा। अब अगर ये आप सोचते, थोड़ा सा सोच के करते, तो ये ऑलरेडी आपको समझ जाता कि ये इसको रिकॉइल ही करना है। कैसे, जैसे इंसान आगे चलेगा कैसे, ये सोच के देखो, हम किसी भी सरफेस पे जब चलते हैं, जैसे ग्राउंड पे ही चलते हैं, तो हम ग्राउंड को बैकवर्ड्स पुश करते हैं, तभी तो ग्राउंड हमें फॉरवर्ड पुश करता है ना, होता ही नहीं होता है, राइट। तो अगर मैं फोर्सेस दिखाता, जो फोर्स आपके इंसान के पैरों पे फॉरवर्ड लगता, इंसान के पैर पे जो फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगता, वही फ्रिक्शन जब हम प्लैंक पे दिखाते, तो ये बैकवर्ड दिखाते या नहीं दिखाते, देखो ये चेक करो, आई गेटिंग इट। तो इस केस में इंसान को आगे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फ्रिक्शन, और प्लैंक इसकी वजह से क्या होगा, पीछे जाएगा या नहीं जाएगा,
हाँ सर, तो इसीलिए प्लैंक रिकॉइल करेगा, ये आपको पहले ही से समझ जाना चाहिए था। बट ठीक है, हमने क्या किया, अगर मैथमेटिकली भी हम कुछ गलत भी करते हैं तो अच्छा चीज ये है कि वेक्टर इक्वेशंस में अगर आप डायरेक्शन को गलत चूज करते हो और इक्वेशन सही लिखते हो तो फाइनल आंसर में एक नेगेटिव आएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। और बाकी जो वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल जो वैल्यू आई है ml by m plus n, वो आंसर वही रहेगा। मतलब प्लैंक रिकॉइल्स बाय अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, ml by m plus n। आपको समझ आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखना कि जब एक प्लैंक के ऊपर एक इंसान चलता है बाय अ सर्टेन डिस्टेंस l, तो प्लैंक कितना सर रिकॉइल करता है, कितने से, ml by m plus n। m is the mass of the person walking over the plank and capital m is the mass of the plank। क्लियर है? आपको मिलेगा डी एक्स बाई डी डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बाई एम प्लस एम इंटू डी एल बाई डी डी। ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं? यस सर। हां सर, आप बताओ मुझे dx / dt क्या है? dx / dt क्या है? वेलोसिटी। किसका वेलोसिटी, किसका वेलोसिटी है? प्लैंक, प्लैंक का है ना, क्योंकि प्लैंक जितना डिस्टेंस इसको मूव कर रहा है, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो x किसका डिस्प्लेसमेंट है, प्लैंक का। तो प्लैंक का रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या बनेगा, प्लैंक का वेलोसिटी। So if you are writing this as velocity of Planck, say Vp हम mark कर रहे हैं, diagram में देखो Vp mark किया मैंने velocity of Planck के लिए, तो dx by dt obviously is Vp, got it? ठीक है? Yes। अभी आप dl by dt बताओ क्या है? L अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है? L is the displacement of the man with respect to Planck, right? Yes sir। Yes sir। तो dl by dt क्या बनेगा? आपको समझ आया क्या लिखा हमने? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक और वेलोसिटी ऑफ प्लैंक का रिलेशन मिल गया है। तो अगर मैं यूज करूं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, ये होता ही नहीं होता, राइट? हां सर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन निकालनी है तो क्या करनी पड़ेगी आपको, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, राइट? वेक्टोरियल एडिशन, यस, राइट? तो इस केस में क्या होगा, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक वी एम पी दिया हुआ था आपको, एंड प्लस ये क्वांटिटी है माइनस ऑफ स्मॉल एम बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम and into Vmp, and iski value ko agar likhoge to ye aayega capital m divided by small m plus capital m and this multiplied with Vmp, got it? Samajh aaya? Yes sir। Theek hai, to ye velocity of man with respect to ground mil gaya aapko, got it? Haan sir। Theek hai, इसको करने का एक आसान तरीका भी हो सकता था, जैसे इसमें इस तरह से यू नो प्लैंक और मैन का अगर रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ है और वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो एक अल्टरनेटिव तरीके से भी कर सकते थे। जैसे ऐसे सोचते कि यहाँ पे मेरे पास प्लैंक है, दिस इज द प्लैंक एंड हियर इज द पर्सन। अगर मैं मान लूँ कि वेलोसिटी ऑफ मैन राइट की तरफ है तो इजंट इट ऑब्वियस कि वेलोसिटी ऑफ प्लैंक लेफ्ट की तरफ होगा, होगा नहीं होगा? यस सर। यस सर। राइट, क्योंकि आपको पता है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्वेशन से फॉलो कर सकते हैं, राइट? हाँ सर। जैसे सही। हैंग कर गया एक मिनट। डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार।
क्योंकि नेटवर्क का इशू को छोड़ा है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। अभी आवाज आ रही है, एक बार कंफर्म कर देगा सर? स्क्रीन चला गया, स्क्रीन से चला गया। ओहो, अभी ठीक है ना? देखो एक बार, चेक करो। हाँ सर। ठीक है, अभी देखो मैंने ऑलरेडी ये मान के किया। देखो इस बार मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी ये कंसेप्चुअली यूज कर रहा हूँ कि इफ द पर्सन मूव्स फॉरवर्ड ओवर द प्लैंक हैज टू रिकॉइल सिंस देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। ठीक है, सो सिंस एफ एक्सटर्नल इज जीरो एंड इससे इनिशियल एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वाज आल्सो जीरो, तो इससे आप ये कंक्लूजन ड्रॉ करोगे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका हमेशा ही जीरो होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन का मोमेंटम देखें तो m into vm should be equal to capital M into vp। यूज कर सकते थे हम इसको, राइट? एंड अब आप रिलेटिव अगर निकालोगे तो रिवर्ट एंड ऐड करोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक निकाले तो प्लैंक इज गोइंग बैकवर्ड्स, तो उसका रिवर्ट करोगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक कितना हो जाएगा, कितना होगा? vp plus vm होगा ही नहीं होगा? यस सर। राइट, अभी आप चेक करो, vp आप ऑलरेडी ऊपर के इक्वेशन से जो निकाल चुके उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो m by m into vm and plus vm and देखो यहां से आपको vm की वैल्यू मिल गई है, so vm is coming out to be capital m by small m plus capital m and into vmp, got it? Yes sir। ठीक है, इसमें इसमें as such center of mass वाला कुछ कंसेप्ट हमने यूज नहीं किया, ये सिंपली मोमेंटम कंजर्वेशन से यूज कर लिया, क्योंकि मुझे ये पता है कि किसी भी सिस्टम पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फिर सिस्टम का लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्व रहना चाहिए, और पहले अगर सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जीरो है तो बाद में भी जीरो होना चाहिए, बस इस कंसेप्ट को यूज करके हमने कर दिया। आई होप आपको सबको समझ आ गई ये बात। हाँ सर। यस सर। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करके देखो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना। अ मैन of mass 60 kg is standing on a boat of mass 140 kg and the distance of the man from shore is 20 meter. The man starts walking on the boat with a speed of 1.5 meter per second relative to boat. Find the distance of man from shore at t equal to 4 seconds. Neglect friction between boat and water. Batao kya?
किया आपने? सर 24.2 मीटर, 24.2 हो सकता था। वो तब होता जब आपका ये दिया होता कि मैन जो है वो अवे फ्रॉम शोर मूव कर रहा है, बट उसने तो बोला नहीं है ना, तो आपको दोनों केस कंसीडर करना पड़ता। तो फिर तो एक 15.8 होगा। एक 15.8 आएगा और एक 24.2 होगा, मतलब दो आंसर्स इसके पॉसिबल थे। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी देखोगे तो उसने सिर्फ बोला है कि मैन वॉक्स विद अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू बॉल। तो डेटास को आप हमेशा ध्यान करो कि उसने क्या बोला है। उसने बोला है स्पीड दिया है रिलेटिव टू बॉल, ठीक है, ये दे रहा है। तो इससे आपको इमीडिएटली ये कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए कि डायरेक्शन इज अनअवेलेबल। ठीक है, इस डेटा से मुझे ये पता चल रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अनअवेलेबल, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अनअवेलेबल। सो वी नीड टू कंसिडर बोथ पॉसिबिलिटीज, वी नीड टू कंसिडर बोथ पॉसिबिलिटीज। बोथ पॉसिबिलिटीज मतलब कमिंग टुवर्ड्स शोर एंड अवे फ्रॉम द शोर। ठीक है, तो एक चीज है कि अगर आपको देखोगे अगर तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट दिया हुआ है। आपको याद है वेलोसिटी ऑफ मैन अगर निकालेंगे सिर्फ, तो इसको कैसे हम लिख रहे थे, कैपलेम बाय स्मॉल एम प्लस कैपलेम एंड इनटू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट, ऐसा लिख सकते थे ना, लिख सकते थे। हाँ सर, तो इसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, ये 140 एंड डिवाइडेड बाय This is 140 plus 60, which is 200, and this multiplied with 1.5 meter per second. So decimal yahan se hat jayega, and yahan se ye 7, aur ye hai 10. So yaar ye 7 by 10 times of 1.5 meter per second aa rahi hai. Theek hai, itni velocity se man chal raha hai. So therefore displacement of man agar nikale, displacement of man, so displacement of man will be velocity of man into the time interval. So kitna hai yahan pe, 7 divided by 10 into 1.5 and that multiplied with time jo ki aapka 4 seconds diya hua hai. So 1.5 se 4 ko multiply kiya, so 6 ho gaya and 6 into 7 is 4.2, to ye jayega 42 matlab 4.2 aa jayega. To yaar ye 4.2 meters aa gaya, aa rahi hai. Ab ye 4.2 meters aapka left ki taraf bhi ho sakta tha, right ki taraf bhi. So final position agar nikalenge, so final position of man with respect to shore agar nikale, so this will be equal to 20 pe pehle se tha and plus minus of 4.2 meter karenge, that will be the answer. Matlab ya to ye 24.2 meter hota or 15.8 meter hota. Got it? Clear hai? Yes sir. Yes sir. ठीक है, इस कंसेप्ट को जो अभी आपने सीखा है उसको ना बहुत जगहों पे यू नो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बहुत सारे सिचुएशंस दिखाता हूँ। देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज करूंगा, देखो इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज, वेज कैपिटल मान रहे, ठीक है, व्हेन द ब्लॉक ब्लॉक ऑफ द स्मॉल एम reaches the bottom. Assume initially system is released from rest. Initially system is released from rest. ये उसमें दे रखा है, ठीक है? अब केसेस क्या क्या है देखो, पहला है Let us say angle theta है, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक ब्लॉक को छोड़ दिया, ये कैपिटल में और ये स्मॉल में, एक एक मास दिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वेज का जो इंक्लाइन प्लेन का लेंथ है, ये वाला लेंथ उसने एल दे रखा है, ठीक है, और अब उसने बोला है कि जब ये ब्लॉक नीचे पहुंचेगा तब उतने देर में आपका जो वेज है वो कितना डिस्टेंस शिफ्ट करेगा। तो इसमें देखोगे अगर आप, तो ब्लॉक नीचे किसकी वजह से आ रहा है, ब्लॉक नीचे किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटी, वेट का कंपोनेंट, ठीक है, वेट की वजह से ही आ रहा है, मतलब तो वेट का कंपोनेंट की वजह से आ रहा है, तो इसलिए
जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास भी तो वर्टिकली डिस्प्लेस कर रहा होगा, होगा नहीं होगा? और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसको डिस्प्लेस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रेविटी भी है और नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड फ्रॉम ग्राउंड ऑन द वेज भी है, है ना? Are you getting it? Yes. ठीक है, तो इस केस में अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह से डिफाइन करूं, जैसे सोचो तो इधर मैं अगर एक्स एक्सिस मान रहा हूं, इधर वाई एक्सिस मान रहा हूं, तो मुझे ये पता चल रहा है कि फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो इससे आप ये कंक्लूजन ड्रॉ करोगे कि यू नो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर निकालोगे तो दिस विल ऑल्सो बी नॉट इक्वल टू जीरो. समझ आ रही है ना? बट एक चीज आप ये बताओ मुझे, एक चीज ये बताओ, इस कॉम्बाइंड मास सिस्टम पे क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नो सर. ठीक है, आपको ये मान के चलना कि सरफेस स्मूथ है, ठीक है ना? ये सरफेस स्मूथ दे रखी है, ठीक है? तो अगर सरफेस स्मूथ है और कोई एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब क्या सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस कर सकती है क्या? नो सर, नहीं. सो एफएक्स की वैल्यू यहां से जीरो है, इससे आप ये डेफिनेटली ड्रॉ कर सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस फॉर सेंटर ऑफ मास ये आपकी जीरो रहेगी. इसका मतलब कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस ये जीरो रहेगी, कह सकते हैं, है ना? हाँ सर. तो अब ये बताओ मुझे कि वेज का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू वेज तो एल है, बट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है? एल कॉस थीटा है या नहीं? है ना? समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं? इसका मतलब दिस सिचुएशन इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू, अगर ऐसा सोचे, this is actually equivalent to यहां पे वो प्लैंक रख दो और प्लैंक का लेंथ को आप l cos theta मान लो और यहां पे ये वेज, मतलब वेज के एक एंड से ब्लॉक को दूसरे एंड पे जाना है, ऐसे सोचो ये इंसान चल रहा है. समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो इस केस में जब ये ब्लॉक जो है दूसरे एंड तक पहुंच जाएगा, तब आपने सीखा ना कि वेज जो होगा वो पीछे की तरफ रिकॉइल करेगा, सीखा ही नहीं सीखा? हाँ सर. तो डायरेक्टली उस रिजल्ट को यूज कर लो, कुछ इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं आपको. तो ये अगर ब्लॉक अगर यहाँ पहुंच चुका है, तो दिस हैज मूव्ड अ डिस्टेंस एल कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू वेज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो ये जितना डिस्टेंस रिकॉइल करेगा, ये जो रिकॉइल डिस्टेंस है, इसको अगर मैं एक्स मार्क कर रहा हूँ, तो अब एक्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? एम एल, एल की जगह क्या हो जाएगा? एल कॉस थीटा and divided by m plus n. समझ आई आपको? हाँ सर. देखो exactly जो पिछला बोट वाला example use किया था मैंने, exactly उसी concept को use करके पूरा question का result लिख दिया है. सबको clear है? हाँ सर. Yes sir. ठीक है, एक और जगह दिखा दो आपको, एकदम बिल्कुल same concept से मैं दूसरा वाला भी करूँगा. जैसे इमेजिन करो कि यहाँ पे एक ये मान लो सरफेस है, फिर से यहाँ पे ये स्मूथ है और ये इमेजिन करो कि हमने यहाँ पे छोटा सा ब्लॉक को छोड़ रखा है, ये स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम है और दिस इज हेमिस्फेरिकल सरफेस की रेडियस मैंने आपको आर दे रखी है. और फिर से वही पूछा है कि जब ये नीचे पहुंचेगा तो उतने देर में आपका ये वेज जो है कितना रिकॉइल करेगा, ये फिर से सेम वही क्वेश्चन है. अभी देखोगे तो सेम अभी ये वेज वाला ही क्वेश्चन हो गया, नहीं हो गया? सोचो जैसे वेज में बोल रहे थे कि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है, तो सेम तरीके से इसमें भी सेम क्वेश्चन ही आ रही है. हां सर है. दैट्स इट. तो अब आप क्या करो, इसी रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में अपना वेज को थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट करेंगे और ब्लॉक को उसके ऊपर थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट करा देंगे, बॉटम मोस्ट पोजीशन पे ही निकालना है. तो बस उसका डायग्राम आप ड्रॉ कर लो जल्दी से एक बार. देखो मैं इसको एक बार रेप्लिकेट करता हूँ. अब देखो यहाँ पे
ये देखो ये ब्लॉक ऑफ मास m आ चुका है इधर. तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू अगर वेज देखोगे तो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस किया है ये r, राइट. तो इसको कितना रिकॉइल करना चाहिए था, ये रिकॉइल डिस्टेंस अगर x मार्क कर रहे हो तो x कितना होना चाहिए, m into r by m plus l होना चाहिए ना. हां सर. हां सर. तुम अगर नोटिस करोगे तो यहां पे मैं नेगेटिव इस बार नहीं लिख रहा हूं, लिख रहा हूं क्या? नहीं सर. क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्शन में देखो सही दिखा रखा है ना, डायरेक्शन में मैंने रिकॉइल करा रखा है तो नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है. बट पिछला वाला जो अगर आपको याद हो यहां पे तो इसमें नेगेटिव इसलिए लिखा था क्योंकि मैंने नेगेटिव इसलिए आया था क्योंकि इसमें मैंने फॉरवर्ड मूव कराया था जबकि एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट उसका किस तरफ हो रहा था, लेफ्ट की तरफ, इसलिए यहां पे नेगेटिव था. बट जब आपने ऑलरेडी नेगेटिव दिखा रखा है तो उसमें आपको फिर से नेगेटिव लिखने का जरूरत नहीं है. आई होप आपको ये बातें समझ आ रही है. यस सर. एवरीबॉडी, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो, कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत लेके चलना. क्लियर है ना सबको? सर एक बार एक्सप्लेन करें. कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करना है बोलो. सर ये माइनस प्लस वाला. आप कौन है एक बार नाम बताइए अपना. सर बापा दित्य. हाँ बापा दित्य. बापा दित्य, आपको ये समझ आ रहा है कि लेफ्ट की तरफ अगर डिस्प्लेसमेंट हमने दिखा रखा है तो वो नेगेटिव आया क्योंकि राइट की तरफ का डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए पॉजिटिव है. तो पहला डायग्राम में हमने ऑलरेडी वहां पे ऑलरेडी जो पहले किया था हमने उसमें हमने फॉरवर्ड मूव कराया था. देखो डायग्राम में फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड दिखाने के बाद अगर मैं पॉजिटिव लिखूंगा इसका मतलब मेरा मैग्नीट्यूड भी सही है, डायरेक्शन भी सही है. बट ये तो एक्चुअली सही नहीं है क्योंकि फोर्स तो प्लैंक पे पीछे की तरफ लग रही थी तो उसको पीछे जाना था ना, इसीलिए नेगेटिव आई है यहाँ पे. बट जब तुमने ऑलरेडी नेगेटिव दिखा रखा है उसको ऑलरेडी पीछे शिफ्टेड दिखा रखा है तो अगर ये डायग्राम में देखोगे तो मैंने पीछे शिफ्टेड दिखाया है. हां तो फिर वहां नेगेटिव लिखने का कोई मतलब नहीं है वहां पे. ठीक है, थैंक यू. ठीक है. हां सर. चलो एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं. देखो एक क्वेश्चन आप एक खुद से अटेम्प्ट करो. इमेजिन करो ये दो फिक्स सपोर्ट्स के बीच में फिक्स रॉड है. ठीक है, दिस अ फिक्स रॉड, फिक्स स्मूथ रॉड, फिक्स स्मूथ रॉड है. और एक फिक्स स्मूथ रॉड पे इमेजिन करो कि यहाँ पे हमने एक बीड या रिंग, ऐसे इमेजिन करो एक रिंग एम्बेड कर रखा है. दिस इज अ रिंग एम्बेडेड ओवर इट. स्लाइड कर सकता है ऑब्वियसली, रिंग जब मैं कह रहा हूँ तो आप यही इमेजिन करेंगे स्लाइड कर सकता है. ठीक है, ये रिंग है. और इसके साथ क्या है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली एक स्ट्रिंग कनेक्ट करके यहाँ पे एक छोटा सा साइज का एक मार्बल बॉल जैसा एक स्ट्रक्चर है उसको मैंने सस्पेंड करके छोड़ रखा है. ये मान लो आपका कैपलेम है और ये मान लो आपका स्मॉल एम है एंड दिस आइडियल स्ट्रिंग इज ऑफ लेंथ एल. यहाँ पे ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आप मान लो एल है. ठीक है, embedded ring when the string deflects through an angle theta. बताओ क्या होगा, करो देखो क्या रही है. सर थीटा किसके साथ है, रॉड के साथ या वर्टिकल के साथ? देखो जब वो कह रहे हैं कि deflects through an angle theta इसका मतलब क्या है, कहीं से भी लो एक ही दिखेगा ना. deflect का मतलब क्या होता है, कितने से टर्न किया, हट जाए, है ना, कितने से टर्न किया. तो जितने से टर्न करेगा वो तो कहीं से भी मेजर करोगे ना. ओके सर. हाँ करो देखो क्या है.
किया आपने एटेम किया एटेम हाँ सर नहीं नहीं हो रहा है। अच्छा देखो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। देखो अगर आपसे नहीं हो रहा तो बेसिक तरीके से करो ना जो आपने सीखा है, उसके बाद फिर आप वो शॉर्टकट भी यूज कर पाएंगे। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। फिर से देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में तो ग्रेविटी इनको खींच रहा है, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? नो सर। सो एफ नेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फॉर सिस्टम इज जीरो, एंड देयरफॉर आपका डेल्टा एक्स सीओएम, मतलब एक्स में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मान रहा हूँ, ये आपका जीरो होना चाहिए। तो डेल्टा एक्स मतलब क्या हो गया, एम वन इंटू डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू इंटू डेल्टा एक्स टू, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। अब M1 मान लो आप यू नो जो रिंग है उसी को मान लो जिसको हमने इम्बेड कर रखा है, तो उसको कैपलेम मान लेते हैं। तो कैपलेम इनटू x दिख रहा है आपको, दिख रही है? यस सर। बट जो बीड है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? बीड कह रहा हूँ जो छोटा मास है जो उसको स्मॉल m से मार्क कर रखा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? l cos theta। l cos theta नहीं है बेटा डिस्प्लेसमेंट, l minus l cos theta। L minus L cos theta जो displacement है वो with respect to bead है। Plus x। हाँ plus x है। मतलब final position minus initial position, यही तो displacement होता है। तो जो red वाला मैंने dotted line draw कर रखा है, देखो उससे final position उसका कितना दिख रहा है? Red वाले dotted line से देखो, तो x plus L cos theta दिख रहा है, that is the final position, and minus of initial position कितना है? L है या नहीं है? दिख रहा है सबको? बस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बस इतना ही तो करना है आपको, यही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जा रही है। व्हाट यू आर गेटिंग इज x का वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी दिस इज यार ये स्मॉल m इनटू l इनटू 1 माइनस ऑफ cos theta, l इनटू 1 माइनस ऑफ cos theta एंड डिवाइडेड बाय m प्लस m, दैट्स इट। अब रिजल्ट जब आ गया तब आपको एक चीज स्ट्राइक भी करेगा। देखो अगर मैं पूछता आपसे कि बीड के रेस्पेक्ट में उस छोटे से मास का डिस्प्लेसमेंट कितना है, l into 1 minus cos theta है नहीं, हॉरिजॉन्टली? हाँ सर। राइट, तो ये बोट और मैन वाला क्वेश्चन हो गया नहीं हो गया? तो बोट के रेस्पेक्ट में मैन का डिस्प्लेसमेंट अगर l होता था तो फिर बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना होता था, स्मॉल m into l by m plus m, यही होता था? Yes sir। देखो क्या वही रिजल्ट है, देखो वही रिजल्ट है या नहीं है? Small m into displacement of the point mass with respect to the bead divided by small m plus capital m, वही रिजल्ट आ गया। समझ आया सभी को? हाँ सर। चलो एक और अटेम्प्ट करो आप, देखो आपसे बन रहा है नहीं। इमेजिन करो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड यहाँ पे मान लो एक इंसान एक एंड पे, दूसरे एंड पे दूसरा इंसान है। मान लो ये 30 केजी का पर्सन है, ये मान लो 15 केजी का पर्सन है, और ये प्लैंक मान लो 5 केजी का है, ठीक है? और प्लैंक का जो टोटल लेंथ है
ये लेंथ मान लेते हैं 2 मीटर है, दिस इज 2 मीटर्स. और क्वेश्चन में दे रखा है सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट. सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट एंड द टू पर्सन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, moving towards each other and meet at midpoint. Find the displacement of Planck. ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें आपको मैंने जो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कराया जिसमें ML by N plus N कर रहे थे, उसमें दो मास्क सिस्टम के लिए था, मतलब प्लैंक के ऊपर एक इंसान हो तो ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, प्लैंक के ऊपर दो इंसान है. तो इस केस में अब आपका जो डेरिवेशन का तरीका था वो क्या था, M1 into delta X1 plus M2 into delta X2 equal to 0 कर रहे थे क्योंकि दो था. अब यहाँ पे तीन है तो क्या लिखेंगे, M1 into delta X1 plus M2 into delta X2 plus M3 into delta X3 equal to 0 लिखेंगे. तो ये इनिशियल पोजिशन है. अब इसी तरह से एक फाइनल पोजीशन का डायग्राम ड्रॉ करो जहां पे प्लैंक को आप राइट की तरफ मान लो डिस्प्लेस कर गए एंड इंसानों को दिखा दो कि कहां पे उनको पहुंचना है. एंड उसके बाद फिर सिंपल ये फॉर्मूला लगा लो, m1 into delta x1 plus m2 into delta x2 plus m3 into delta x3 equal to 0. आप करो, देखो 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं, ट्राई करके देखो आपका क्या रहा आंसर, देखो बताओ क्या रहा है. Sir, 0.3 meter towards left. 0.3 meters towards left. सही आ रहा बेटा. 0.3 meters towards left सही आंसर है. कौन बोल रहे हैं आप? नाम क्या आपका? अभिलाष. अभिलाष. सही है बेटा आंसर. बाकी लोगों का क्या हुआ? हुआ नहीं? हाँ सर, -0.3. -0.3 आने का मतलब है कि बेसिकली ये पीछे जाएगा, है ना, यही है मतलब. ठीक है, सो बैकवर्ड्स जाएगा बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.3, ये आपका आना चाहिए. ठीक है, अब देखो, करके देख रहा हूँ. ठीक है, देखो फिर से वही सिचुएशन हम यूज कर रहे हैं, तीन मासेस है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, m1 into delta x1 plus m2 into delta x2 plus m3 into delta x3 should be equal to 0. ठीक है, तीन मासेस है तो तीनों के लिए अकॉर्डिंगली लिखेंगे. So, पहले हम मान लेते हैं 30 kg को हम फर्स्ट मास मान रहे हैं, तो 30 into उसका फाइनल पोजीशन क्या है, x plus 1, और इनिशियली कहाँ पे था वो, 0 पे, तो इसको 0 वर्क कर दिया. प्लस m2 मान लेते हैं 15 kg को, तो 15 into फाइनल पोजीशन कितना है, x plus 1 माइनस इनिशियल पोजीशन कितना था, 2, प्लस m3 मतलब 55 kg वाला मास, तो इसके लिए तो सिंपली 5 into x हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 0. समझ आ गया आपको इक्वेशन? हां सर. बस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना है और कुछ नहीं है. सो 5 × 3, 5 × 6, और इससे मिल रही है आपको 6x plus 3x is 9x, 9x plus x is 10x. सो 10x की वैल्यू आ रही है यहाँ से 6, और यहाँ से आ रही है 6i, और इधर से माइनस 3, प्लस 3, तो ये हो गया माइनस ऑफ 3. ठीक है, एंड देयरफॉर x की वैल्यू आ गई है माइनस ऑफ 0.3 मीटर. दैट्स इट. 0.3 मीटर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है. ये नेगेटिव एक क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लैंक मूव्स लेफ्ट, क्योंकि हमने राइट की तरफ मूव कराया था, और मतलब अगर नेगेटिव आया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा चोजन डायरेक्शन के उल्टे तरफ जाएगा. समझ आ गया सभी को? हाँ सर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इमेजिन करो यहाँ पे एक सिचुएशन जहाँ पे ये एक मास है, मान लेते हैं m1,
एक मास है m2 और यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स F लग रही है, ये स्प्रिंग का कांस्टेंट K दे रखा है, यहाँ पे स्मूथ सरफेस है ये एंड सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट है, सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट एंड स्प्रिंग एट नेचुरल लेंथ, ये भी दिया था, स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ। Now the question is, a constant force F acts on M2 as shown. T seconds later, the displacement of M2 with respect to ground is x, then find the displacement of m1 with respect to ground at this instant. Yeah, till this instant, at the new energy, till this instant. ठीक है, फिर से ऐसे सोचो, इसको अगर मैं यहां से दिखाऊं कि ये M1 का पोजीशन और ये M2 का पोजीशन, इस बार अगर आप देखोगे तो एक्सटर्नल फोर्स है ना सिस्टम पे, है हाँ सर, और एक्सटर्नल फोर्स है तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस करेगा ही करेगा, ये पक्का है सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस करेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो यहाँ पे M1 का मास हमारा राइट शिफ्ट हो गया और M2 के मास को भी कुछ राइट शिफ्ट करा दिया एंड अब इस पे फोर्स वही F लगता हुआ दिखा रहा है, ठीक है। ये अब M2 का डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दिखा दिया, दिस इज X2, और M1 का डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया हमने यहाँ पे X1, ठीक है। X2 का वैल्यू उसने ऑलरेडी दे रखा है, ये X है। अब आप एक चीज सोच के देखो, आपको ये तो पता है कि F नेट जो है सिस्टम पे, F नेट आपको याद है टोटल मास ऑफ सिस्टम मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, याद है आपको? हाँ सर, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखते तो क्या हम सिंपली इसको F by M1 plus M2 लिख सकते थे क्या? लिख सकते थे? हाँ सर। ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्प्रिंग का इलॉन्गेशन है या नहीं है? है सर। है ना, स्प्रिंग आपका कितना भी इलॉन्गेट कर जाए ये चेंज नहीं कर सकता आपका, सो दिस इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ स्प्रिंग फोर्स कुछ भी रहे ये वैल्यूज चेंज नहीं कर सकती है, और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए क्या हम ऐसा ले सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टी प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टी स्क्वायर, ऐसा ले सकते हैं क्या? हां सर। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो आपको पता है जीरो है, सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे था, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए फार्मूला क्या है, m1 into s1 या rather m1 into ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा s1 प्लस या डेल्टा x1 कर देते हैं, ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा, डेल्टा x1 प्लस m2 इनटू डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, क्या हम ऐसा लिख सकते थे या नहीं? हाँ सर, ठीक है। अब यहाँ देखो m1 प्लस m2 तो कट गया, अब m1 इनटू डेल्टा x1, देखो तो x1 का डिस्प्लेसमेंट कितना माना है, m1 का x1 ही माना है ना डायग्राम में, हाँ सर, तो इसको x1 लिख देते हैं plus m2 into x2, delta x2 basically kitna tha, sirf x tha, and that is equal to half of f into t square, so therefore yahan se dekho x1 ki value mil gayi, so x1 ki value is ft square by 2 minus of m2 into x and this whole quantity divided by m1, samajh aaya? Haan sir. Yes sir. मान लेते हैं ये M1 है, अच्छा इसको A भी लिख देते हैं अलग से साइज में, ये A है
और ये भी है, मास ऑफ ए इज एम वन एंड मास ऑफ बी इज एम टू मान लेते हैं, ठीक, एंड गिवन है एम टू इज ग्रेटर देन एम वन. फिर से वही क्वेश्चन है, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट. आपको पूछा है उन्होंने फाइंड द डिस्प्लेसमेंट of center of mass p seconds later, कितना displacement होगा. तो पहला हम ये काम कर लें कि acceleration of center of mass निकाल लें, और acceleration of center of mass आ जाएगी तो उस केस में obviously displacement velocity सब निकाल लेंगे, होगा नहीं होगा? हाँ सर. तो ये तो tug of war kind of situation, ये तो आपको पता है, इधर से pulling force आपका m2g है, इधर से pulling force आपका m1g है, और ये इधर accelerate करेगा तो दूसरा वाला ऊपर एक्सेलरेट करेगा, यही होगा ना. सो कैन वी से दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, या वी कैन से दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन सेम है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन सेम. गुड. सो ए1 या रादर ए एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी, और इसी को हमने ए लिखा है, एंड दैट इज m2 minus m1 divided by m1 plus m2 into g, ठीक है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको? नो सर. ठीक है, वंस यू हैव गॉट दिस एक्सेलरेशन, तो अब देखो किसी एक को आप पॉजिटिव मान लो, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, मैं नीचे का डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज कर लेता हूं, ठीक है? सो आई एम टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव. अब आप क्या कर सकते हो, अब आप एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तुरंत निकाल सकते हो. सो व्हाट आई डू इज आई एम फाइंडिंग एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सो दिस विल बी एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए डायरेक्शन का ध्यान रखना, मैंने आपको बोला था ये वेक्टर इक्वेशंस होते हैं, तो m1 मान लेते हैं हम, a को ही मान लेते हैं, ठीक है? तो m1 into acceleration उसका will be minus of a, सही लिख रहा हूं क्या? plus m2 into plus of a and divided by m1 plus m2. एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो क्या आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी m2 minus m1 divided by m2 plus m1 into acceleration a, और वो acceleration तो आपने ऑलरेडी निकाल रखा है. देखो तो क्या आ रहा है, m2 minus m1 by m1 plus m2, एक ही बात है, इसका होल स्क्वायर इनटू g, दिख रही है? हाँ सर. ठीक है, तो वाला टर्म आ गया, मतलब अंदर में जो m वाला टर्म था वो स्क्वायर हो गया है. नॉर्मली जब आप एडवर्ड मशीन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दोनों ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन लिखते हैं मैग्नीट्यूड में वो सिंपली m2 minus m1 by m1 plus m2 into g होता है, और जब आप एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो m2 minus m1 divide by m1 plus m2 का होल स्क्वायर into g होता है, ठीक है? और जैसे ही आपने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लिया तो अब तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास आप आराम से निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड इनटू टी स्क्वायर, एंड दैट विल बी हाफ ऑफ एम टू माइनस ऑफ एम वन डिवाइडेड बाय एम टू प्लस एम वन एंड इसका होल स्क्वायर इनटू जी इनटू टी स्क्वायर. आई होप आपको क्लियर हो गया. हाँ सर क्लियर. ठीक है, एक क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करो. यहां मान लो एक मास है और यहां पे मान लो एक मास है, let us say this is say 4 kg and here the friction coefficient is mu equal to 0.5 and this is 6 kg, okay? आपको ये बताना है कि acceleration of center of mass कितनी आएगी. देखो कितनी आ रही है, करो जल्दी.
सर एक्सेलरेशन का वैल्यू तो 4g/10 आ रहा है। 4g/10 10 ये एक्सेलरेशन किसका, इंडिविजुअल मासेस का या सेंटर ऑफ मास का? सर इंडिविजुअल मासेस का। उसके बाद सर उसके बाद सेंटर ऑफ मास का निकालेंगे, सपोज कर लेंगे कि कुछ डिस्टेंस पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सर मैं करके बताता हूँ। हाँ हाँ करके बताओ। सर हमें क्या ACOM का मैग्नीट्यूड बताना है? हाँ मैग्नीट्यूड ही बताना, नहीं तो फिर क्या है? मैग्नीट्यूड ही सही। सर √832/10 √832/10 मुझे आंसर नहीं पता बेटा मेरे को, मैं करके देखता हूँ ठीक है। एक बार सभी बस चेक कर लो। इतना तो पक्का है कि ये अगर नीचे जाएगा 6 kg वाला ब्लॉक तो 4 kg वाला ब्लॉक टुवर्ड्स राइट जाएगा, सही है ना? है ना? हाँ सर। हाँ सर। और इसको टग ऑफ वॉर वाले सिचुएशन से कंपेयर करो सो आपको दिखेगा कि एक तरफ से पुलिंग फोर्स 6g का है और दूसरी तरफ से जो उसको फ्रिक्शन अपोज करने के लिए है वो ऑब्वियसली आपका यू नो लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम ही कर चुका होगा क्योंकि 6g तो उसका 0.5 4g को तो रोक नहीं सकता, मतलब 6g जो है वो 0.5 × 4g से तो ज़्यादा ही है तो स्लिपिंग तो होना ही है। तो यहाँ पे पक्का है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा एंड काइनेटिक फ्रिक्शन आप श्योर होकर दिखा सकते हैं तो 0.5 × 4g लिख सकते हैं विच विल बी बेसिकली 2g। तो लेफ्ट साइड से जो फोर्स लग रहा है वो 2g लग रहा है और नीचे से जो फोर्स लग रहा है सिस्टम पे मैं बात कर रहा हूँ वो 6g का लग रहा है। तो इससे अगर सेंटर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स निकालनी है तो हम लिख सकते हैं दिस इज 6g − 2g एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास व्हिच इज 6 + 4। क्लियर है? ठीक है ना? अगर आप ये नोटिस करोगे तो, अगर आप नोटिस करोगे तो यार 4g/10 व्हिच इज 4 m/s² आ रहा है। तो इंडिविजुअल मासेस का जो एक्सेलरेशन है दैट इज 4 m/s² एंड अब अगर आप नोटिस करोगे तो प्लस माइनस से सिर्फ काम चलने वाला नहीं क्योंकि एक का डायरेक्शन ऑफ मोशन इज हॉरिजॉन्टल एंड दूसरे का डायरेक्शन ऑफ मोशन इज वर्टिकल। तो इस बार आपको ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह एक्स और वाई एक्सिस चूज कर लेना चाहिए। तो मान लेते हैं राइट की तरफ मैंने एक्स एक्सिस चूज कर रखा है और नीचे की तरफ का डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ का डायरेक्शन उसको मैंने वाई एक्सिस चूज कर रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग अब मैं क्या करूंगा, अब अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग आई कैप जे कैप के साथ वैल्यूज लिखूंगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अब आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि आप प्लस माइनस से काम चला नहीं सकते। तो इसमें आप लिखोगे तो लिखोगे m1a1 + m2a2 एंड डिवाइडेड बाय m1 + m2 वेक्टर के साथ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ठीक है। तो m1 मान लेते हैं हमारा 4 kg है तो 4 × a व्हिच इज 4 i कैप एंड प्लस m2 व्हिच इज 6 एंड दिस विल बी वैल्यू वाइज दिस विल बी प्लस सॉरी दिस विल बी m2 × 4 j कैप एंड डिवाइडेड बाय m1 + m2 व्हिच इज ऑब्वियसली 6 + 4 = 10 ये आ जाएगा। सो अगर आप पिक्चर्स नोटिस करोगे तो इससे आ रही है 4 × 2 = 8 कॉमन आउट कर सकते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2 i कैप एंड प्लस 3 j कैप डिवाइडेड बाय 10 ये आ रही है ना? आ रही है? हाँ सर। यस सर। तो इसका मतलब उसने तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछा था हमसे तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालोगे कितना आ जाएगा 0.8 × √2 + 3 2 3 = 9 एंड 2 2 = 4 तो 0.8 × √13 रूट 13 की वैल्यू आपको याद हुई है? आपको याद नहीं हुई है मतलब आप लोग अभी तक याद नहीं कर रहे हैं √14 3.74 है वो याद। अच्छा मैंने गलत कर दिया क्या? गलत कर दिया क्या? ये 3.6 के बराबर आ रहा है। 313 इज अच्छा मैंने ही गलत कर दिया। ओ हां तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखो तो बस अकॉर्डिंगली तो वैल्यू कैलकुलेशन में भी बचा है तो 4 × 4 = 88 2.88 m/s² ये आपका हल आंसर हो गया ठीक है। क्लियर है? हाँ सर ठीक है। हाँ सर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब प्रोजेक्टर इज प्रोजेक्टेड
फ्रॉम ग्राउंड विथ यू कॉमा थीटा. यू कॉमा थीटा मतलब स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है, ठीक है. एट टॉप मोस्ट पॉइंट इट ब्रेक्स इनटू थ्री फ्रैगमेंट्स इन मास रेशियो 1:2:1. The first fragment retraces its path while the second drops dead. Find the position where the third fragment lands on ground. आपको अगर याद हो तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले किया है. आपको याद है ऐसा क्वेश्चन किया था हमने पहले? हाँ सर, मोमेंटम कंजर्वेशन. हाँ, बट मैंने उसमें सेंटर ऑफ मास का कोई कंसेप्ट को यूज नहीं किया था. मैं आपको दिखाता हूँ कि सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को यूज करने से ये कितनी जल्दी सॉल्व होता है. इसको आप मत करिए, मैं करता हूँ. देखो पहले जो सिचुएशन है उसको दिखाते हैं. सेकंड के बाद क्या लिखा है? सेकंड के बाद ड्रॉप्स डेड मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो. ड्रॉप डेड इज इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना, ठीक है. दिस मींस इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो. अब सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं एक बार. ये ग्राउंड का सरफेस और यहां से एक मास को हमने फेंका है. प्रेफरेबली इसको हमें 4m चूज करना चाहिए क्योंकि मास का रेशियो देखो 1:2:1 दिया हुआ है. तो 1:1 मतलब 4m मान लिया हमने इस वजह से, ठीक है. तो इसके पाथ को अगर हम दिखाते तो कुछ ऐसा होता. अगर मान लो कहीं एक्सप्लोजन नहीं होता, अगर कहीं एक्सप्लोजन नहीं होता तो कुछ ऐसा आके लैंड करता या नहीं करता? होता. यस सर. राइट, इफ द एक्सप्लोजन वुड नॉट हैव हैपेंड इट वुड हैव लैंडेड इन दिस पोजीशन, राइट. ओके, तो अभी फिलहाल के लिए एक्सप्लोजन जहां पे हो गया टॉप मोस्ट पॉइंट, तो उसके बाद वाला पार्ट तो नहीं होगा. तो उसके बाद वाला पार्ट में हटा दे रहा हूं, ठीक है. दिस इज नॉट हैपनिंग. बट एक चीज सोच के देखो, एक्सप्लोजन क्या इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है या एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होता है? इंटरनल फोर्सेस की वजह से. तो उस केस में एक्सटर्नल फोर्सेस का पाथ कौन चेंज करता है, इंटरनल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स? सर किसका पाथ? सेंटर ऑफ मास का पाथ कौन चेंज करता है? सेंटर ऑफ मास का पाथ एक्सटर्नल फोर्सेस. एक्सटर्नल. तो एक्सटर्नल फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी पहले भी था, एक्सप्लोजन के पहले भी, और एक्सप्लोजन के बाद भी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है? ग्रेविटी है ना, राइट. तो क्या सेंटर ऑफ मास के पाथ को हम चेंज कर पाएंगे एक्सप्लोजन की वजह से? नहीं कर सकते. इसका मतलब कि ये जो पाथ हमने दिखा रखा है ना, ये जो पाथ हमने दिखा रखा है, दिस पाथ विल बी द पाथ फॉलोड बाय सेंटर ऑफ मास, फॉलोड बाय सेंटर ऑफ मास इवन आफ्टर कोलिजन. मतलब कोलिजन होगा तब भी ये यही पाथ में फॉलो करेगा. एंड रीजन आपको ऑलरेडी समझा दिया मैंने. रीजन क्या बताया आपको? सिंस द पाथ फॉलोड बाय COM, पाथ फॉलोड बाय COM इज डिसाइडेड by external forces and explosion is internal process. We conclude that the COM will continue to fall in the same path as it would have fallen without explosion. It would have followed without explosion. I hope आपको ये concept समझ आ गई. समझ आई नहीं आई है? Yes sir. तो अब आप एक चीज सोच के बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं कि center of mass finally जहां land करेगा वो अपने डिस्टाइंड प्लेस पे ही लैंड करेगा? वो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फाइनल फ्रैगमेंट्स का होगा.
पोजीशन होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास जो होगा पूरे सिस्टम का वो उसी जगह पे लैंड करेगा जहां पे उसको पहले लैंड करना था। आई होप आपको समझ आ रही है बात। हाँ सर। हाँ सर। ठीक। अब आप एक चीज सोच के देखो, इसमें जो तीन फ्रैगमेंट बने हैं उन तीन फ्रैगमेंट्स के बारे में आपको क्या पता है? पहला फ्रैगमेंट उसने बोल रखा है जो वन पार्ट मतलब एम मास का, तो वो तो अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है। अगर पाथ को रिट्रेस कर रहा है इसका मतलब जब वो लैंड किया, जब वो लैंड करेगा तो एग्जैक्टली फोर एम वाले लोकेशन पे पहुंच जाएगा। हाँ सर। राइट। दूसरा फ्रैगमेंट जो है 2m मास का है, ये 2m मास का, उसका तो उसने कह रखा है ड्रॉप डेड है, इसका मतलब वो सीधे से जाके लैंड करेगा आपका एकदम प्रोजेक्टाइल का जो बीच वाला पाथ था वो वाला पॉइंट पे। ठीक है, लैंड करेगा ना यहाँ पे 2m। हाँ सर। राइट। अब तीसरा फ्रैगमेंट को ऑब्वियसली थोड़ा सा आगे शूट करना पड़ेगा। नहीं, आगे क्यों शूट करना पड़ेगा? ताकि सेंटर ऑफ मास जो है वो अपने डेस्टाइन प्लेस पे है। समझ आ रही है? हाँ सर। तो तीसरा फ्रैगमेंट जो है, जो तीसरा फ्रैगमेंट हमारा एम है, उसको हमें थोड़ा सा आगे शूट कराना पड़ेगा। ये तीसरा फ्रैगमेंट अपना एम मास का ही है, ताकि एम 2m और m का कॉम्बाइन सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आए? अपने लोकेशन पे आ जाए। समझ आई आप सबको? यस सर। ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन नोन है आपको, ये डिस्टेंस कितना है आपके लिए, दिस इज r, रेंज होता है। 2m मास का भी आपको लोकेशन पता है कितना है, ये r by 2, और 1m का तो पता है जीरो पे है। और जो लास्ट वाला जो फ्रेगमेंट है जो अपने को निकालना है, थर्ड फ्रेगमेंट, उसका पोजीशन हमें नहीं पता, ये x मान लेते हैं। अब हमें ये तो पता है ना कि सेंटर ऑफ मास पे अगर मैं x इक्वल टू जीरो चूज कर लूं, अगर मैं इसी को x इक्वल टू जीरो चूज कर लें, तो RHS में जो मासेज है m1 r1 और LHS में जो मासेज है m2 r2 m3 r3 इक्वल होने चाहिए। दो मासेज के लिए करते थे कि सेंटर ऑफ मास पे अगर कोऑर्डिनेट जीरो सेट कर लिया तो m1 r1 राइट की तरफ और m2 r2 लेफ्ट की तरफ दोनों सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये दो पॉइंट मास के लिए करते थे, बट यहाँ पे कितने पॉइंट मास है आपके पास? तीन पॉइंट मास है। तो अगर मैंने अगर सेंटर ऑफ मास वाले लोकेशन पे ही x इक्वल टू जीरो चूज कर लिया, तो उसके राइट की तरफ जो मास है उसका m1 r1 और जो लेफ्ट की तरफ जो दो मासेस हैं उनका m2 r2 प्लस m3 r3 इक्वल टू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए ना। समझ आ रही है? बस यही कंडीशन को यूज कर लो आप। तो राइट की तरफ का जो डिस्टेंस है मास का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वो कितने का है? x माइनस r का है। आप बस कंडीशन लिख रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे, so what I'm writing is, so therefore, 3R आएगा क्या? अब कैलकुलेशन से जो भी आएगा बेटा, वो देख लो अभी, x और m की वैल्यू जीरो होना चाहिए, तो इससे लिखेंगे, m into x minus of r, this should be equal to, यहाँ से लिख सकते हैं m into r and plus 2m into r by 2, यहाँ से r, अभी तो m तो हटाई देते हैं यहाँ से, यहाँ से हटा दिया एंड यहाँ से आपको मिल रही है x की वैल्यू अपने को चाहिए थी ना, तो x की वैल्यू आ रही है r plus r by 2 plus r, r plus r by 2 plus r, ये तो 5 r by 2 आ रही है सर, वो 2 कट जाएगा सर। अच्छा अच्छा, ओहो क्या लिखो, ठीक है सही, हाँ ये 2 भी कट जाएगा, तो r plus r and plus r, सो 3r आ जाएगा, 3r is the right answer, और r तो आपको पता है, so 3 times of u square sin 2 theta and divided by g हो जाएगा। समझ आई सभी को? यस सर। ठीक है, आपको ये समझ आया ना कि m1 r1 को मतलब कैसे यूज किया मैंने सेंटर ऑफ मास का? आप अगर इससे अगर x equal to 0 वहां चूज नहीं करते सेंटर ऑफ मास के लोकेशन पे, अगर आपने 4m वाले लोकेशन पे अगर 0 चूज किया होता तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होता। देखो तो उस केस में आप क्या करते, आप सोच के देखो, आप xm जब लिखते तो 0 नहीं लिखते, आप r लिखते और उसके बाद फिर फॉर्मूला लगा। मैंने 4m पे ही 0 सोचा है। 4m पे ही 0 सोचा है? हाँ ठीक है, तो वो कर सकते हैं ना। आपका कैलकुलेशन देखो, आपका थोड़ा सा लंबा हुआ होगा बेटा, और कोई डिफरेंस नहीं होगा। तुम देखो मेरा कैलकुलेशन चेक करो और अपना कैलकुलेशन चेक करो, तुम अपना देखो थोड़ा लंबा हुआ होगा। हाँ, दो लाइन एक्स्ट्रा हुआ है। हाँ, दो लाइन एक्स्ट्रा है, वही तो आपका दो लाइन ही तो बचाना है ना आपको, क्योंकि दो लाइन लिखने का जो टाइम है उसमें तो सोचने का भी टाइम है ना वहाँ पे कैलकुलेशन में। समझ आ रही क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है, तो वो टाइम बचाया करिए, हमेशा टाइम बचाया करिए। देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस सबसे अच्छी चीज ये है कि लोकेशन, मैंने आपको इनिशियल सेंटर ऑफ मास के क्लासेस में भी आपको समझाया था कि सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन है वो विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम चेंज नहीं करता है।
तो आप कोऑर्डिनेट चाहे कहीं पे भी जीरो चूज कर लो, उस जीरो के रेस्पेक्ट में उसका जो लोकेशन होगा वो आपका डिस्टेंस वाइज चेंज कर सकता है उस जीरो के रेस्पेक्ट में, बट सिस्टम के रेस्पेक्ट में तो चेंज नहीं करता है ना। नहीं सर। तो बस वही कंसेप्ट आपको यूज करना है, आपका जो कन्वीनियंट लगता है आपको वो यूज करो, मैंने आपको सिखा रखा है, बाकी तो आपका अपना एप्लीकेशन है। सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास are projected simultaneously from ground with 20 meter per second, 30 degree and 10 root 3 meter per second, 60 degree. Find maximum height attained by COM. Center of mass maximum कितना height attained करेगा ये आपको निकालना है। देखो कितनी आ रही, जल्दी करो, try करो, देखो कितनी आ रही है। सर दोनों पार्टिकल का इनिशियल पोजिशन क्या सेम है? उससे क्या फर्क पड़ता है इनिशियल पोजिशन सेम हो या ना हो? तुमको तो हाइट निकालने का है ना, तो उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से क्या मतलब बेटा बताओ, मतलब है क्या कुछ? ओके सर। सर 8.125 मीटर। कितना रहा है? 8.125। एक मिनट मुझे चेक कर लो आंसर। आंसर मुझे याद नहीं है। इसका आएगा हाँ सर वो ही। फ्रैक्शन में 125 by 16 है क्या? दोनों का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका डिस्टेंस करके उसका मिड पॉइंट निकाला टॉप मोस्ट पॉइंट का, बट दोनों क्या साइमल्टेनियसली अपने मिड पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट पे होंगे? ये कंसेप्ट तो गलत है ना, क्या दोनों साइमल्टेनियसली अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे होंगे? नहीं सर। तो फिर तो ये कांसेप्ट तो गलत हो गया ना। मैंने एक तरीके से किया था। बोलो। तुमने भी यही तरीके से किया? नहीं, और एक तरीके से। हाँ बोलो बोलो। सर मैंने दोनों पार्टिकल का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिया और वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ COM निकाला m1v1+m2। वेरी गुड वेरी गुड। फिर वहां से मैक्स हाइट v2/2g कर दिया। अब परफेक्ट है, ये परफेक्ट है क्योंकि इसमें साइमल्टेनियस होने का कोई जरूरत नहीं है। आप इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में पहले वाले का निकालो, ये आ रहा है देखो 10 मीटर पर सेकंड, दिख रहा है आपको? दिख रही है? दिख रही है?
दूसरे वाले के लिए भी सेम चीज करो, 10 रूट 3 है और ये है 60, तो इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है दैट इज u y 2 एंड दैट विल बी 10 रूट 3 इनटू रूट 3 बाय 2, मतलब हो गया 5 से 15, 15 आ रहा है ना? हां सर, ठीक है, तो 15 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, अगर आप सेंटर ऑफ मास का निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन फॉर सेंटर ऑफ मास, तो ये लिखेंगे m into 10 plus m into 15 divided by m plus m, which is coming out to be 25 by 2 r e meter per second. And therefore h max अब तो आप आराम से निकाल सकते हैं. That will be u y of c o m इसका square and divide by 2g. Initial velocity का square by 2g, बस ये तो करना होता है. तो 25 by 2 इसका square किया and 1 by 20 लिख लिया. तो हो जाएगा 25 into 25 and divided by 4 into 20. 5 5s are 5 4s are. So this is 125 divided by 16 meter. The answer will be. Shantunil, तुमको तुम्हारी गलती समझ आई है? Yes sir, yes sir. बाकी लोगों को भी उसकी गलती समझ आई है? हाँ sir. ठीक है, क्योंकि आपको अपनी गलतियां भी ध्यान रखनी है, क्योंकि वो गलतियां क्या है, देखो इसीलिए डिस्कशन करना बहुत जरूरी होता है कि आपने जो मेथड से किया है, हो सकता है आपका आंसर जो है वो क्लोज टू ट्रू वैल्यू आ भी गया है, बट उससे जो है वो हो सकता है आपका प्रोसेस गलत हो, तो प्रोसेस गलत होगा तो आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत भी है। चलो, यहां तक तो काफी सारे आपको सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस भी करा दिए और कंसेप्ट भी आपको सिखा दिया बहुत सारा। अब आज अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, ध्यान देके सुनना, इधर उधर ध्यान नहीं देना, ठीक है। फाइंडिंग आउट velocity of any arbitrary point, any arbitrary point. For an object in translation transportation. Object in translation plus rotation. I hope आपको types of motion याद है। हाँ sir। कितने type के motion होते थे? तीन type के sir। क्या-क्या difference था बताओ और को एक बार। sir translation पे जो होता था मतलब हर एक point का velocity vector एक direction में होता था। good। सिर्फ direction या magnitude भी? हाँ magnitude भी एक होता था। तो उसमें क्या बोलते थे हम कि ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए। हां सर, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता। ठीक है, फिर दूसरा टाइप ऑफ मोशन क्या था? दूसरा टाइप ऑफ मोशन था प्योरली रोटेशनल मोशन, जहां पे एंगुलर वेलोसिटी हर एक पॉइंट का एक था पर लीनियर वेलोसिटी बदलता था इसमें। तो अगर मैं बोलूं कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में क्या ये नहीं होता है? ट्रांसलेशन और रोटेशन में ये होता है, पर उस प्योरली रोटेशनल में एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड रहता है। हां, तो ये आपने नहीं बोला, तो ये चीज आपने मिस आउट किया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन प्योर रोटेशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है? फिक्स्ड होती है। और जब हम ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का केस कंसीडर करते हैं तो उसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो भी आपका क्या होता है, ट्रांसलेट करता है, है ना। तो ये तीन टाइप ऑफ मोशन होते थे। पहला दो टाइप में तो आपको किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना आता है, जैसे ट्रांसलेशन है तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। अगर रोटेशन प्योर रोटेशन है तो उस केस में एक्सिस के अबाउट डिस्टेंस देखा एंड देन सिंपली ओमेगा इनटू आर कर दिया। बट अब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में कैसे किसी भी आर्बिट्री पॉइंट का वेलोसिटी निकालते हैं वो आपको निकालना सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो हमारे पास जैसे मान लेते हैं कि सबसे आसान सा सिचुएशन जो है मैं उसी को कंसीडर कर रहा हूं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कोई भी एक राउंड से स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में मान लो कि मुझे दे रखा है, एंड इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए उसने क्या कर रखा है, एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी दिखा रखा है। मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास का ही मान लेते हैं, ये किसी भी आर्बिट्री पॉइंट का भी दिया होता तो भी सेम तरीका होता, ठीक है। तो मैं आपको सेंटर ऑफ मास का ही करके दिखा रहा हूं क्योंकि वही मेजॉरिटी केस में दिया होता है। तो ये वेलोसिटी मान लेते हैं हमने वी ले लिया है सेंटर ऑफ मास के लिए, और इसके रिस्पेक्ट में मान लेते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी भी मैंने मान रखा है ओमेगा इस ऑब्जेक्ट के लिए। अब इसमें मुझे किसी भी आर्बिट्री पॉइंट के लिए वो वेलोसिटी पूछ सकते हैं कि बताओ कितनी आएगी। तो ये वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना है, आपको जस्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करना है। जब मैं कह रहा हूँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या है, आप इसको दो पार्ट में अलग अलग कंसीडर करो। मतलब ये ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन जो हो रहा है उसको आप ट्रांसलेशन अलग कंसीडर करो,
एंड रोटेशन अलग कंसिडर करो और उसके बाद फिर उन दोनों को सुपर इम्पोज कर दो. आपको समझ आया मैंने क्या बोला? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? थोड़ा सा बड़ा करता है. तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसको ऐसे कह रहा हूँ, एक मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ पेज में फिट हो जाए. अभी देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप इसी को जस्ट रेप्लिकेट करो यहाँ पे. तो मैं इसको देखो एक बार रेप्लिकेट कर रहा हूँ. हाँ बेटा बोलो. सर आपने क्या प्रोसेस कुछ बोला है, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. मैंने बोला कि इसमें आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगानी है, एक बार ट्रांसलेशन कंसिडर करना है और एक बार रोटेशन कंसिडर करना है और उसके बाद फिर दोनों को एक साथ कंसिडर करना है. ठीक है, देखो तुम ये देखो डायग्राम देखो. देखो फर्स्ट डायग्राम में अगर देखोगे तो मैंने ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों दिखा रखा है. दिख रहा है आपको? हाँ सर. हाँ सर. सेकेंड डायग्राम में देखो सिर्फ ट्रांसलेशन दिखा रखा है और थर्ड डायग्राम में देखो सिर्फ रोटेशन दिखा रखा है. ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर. यस सर. ठीक है, सिंस फर्स्ट केस प्योर ट्रांसलेशन का है तो किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी पूछे आप सेम बताओगे या नहीं? किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी? हां सर. जैसे यहाँ पे मान लो एक वर्टिकल डायमीटर ड्रॉ किया है, वर्टिकल डायमीटर में ऊपर में कोई पॉइंट है, नीचे में पॉइंट पॉइंट है, तो इस पॉइंट का अगर वेलोसिटी पूछे मुझे टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वी होगा. एकदम सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन. ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं करना क्योंकि प्योर ट्रांसलेशन का केस है. तो ये वी मार्क किया, हॉरिजॉन्टल लाइन भी वो उन्होंने मार्क करके दे रखा है मुझे, वहां पे भी अगर पूछे तो मैं सेम मार्क कर दूंगा. यहाँ पे भी वी, यहाँ पे भी वी. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखो मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, अब ध्यान देना वो चीज को. फिर किसी आर्बिट्री एंगल पे भी मार्क कर लेते हैं, किसी भी एंगल पे, किसी भी जगह पे आपको चाहिए एकदम बिल्कुल सेम प्रोसेस आप लेंगे. ये एंगल थीटा पे मान लो, तो यहाँ पे भी पॉइंट कंसिडर किया तो इसके लिए भी वेलोसिटी वी मार्क कर लिया. ठीक है, दिस इज प्योर ट्रांसलेशन. ठीक है, दिस इज प्योर ट्रांसलेशन. उसके बाद क्या करो आप, रोटेशन वाला केस कंसिडर करो. तो रोटेशन में आपको याद है कि किसी भी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट जो प्योर रोटेशन में है तो उस केस में आपको अगर किसी भी पॉइंट का अगर वेलोसिटी निकालनी है तो एक्सिस से डिस्टेंस अगर ओमेगा है उसका, सॉरी एक्सिस से डिस्टेंस अगर आर है तो उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं आप, सिंपली ओमेगा इनटू आर करते हैं या नहीं? राइट करते हैं ना? यस सर. तो सेम चीज यहां पे भी करो आप. ये चेक करो, मैंने फिर से यहां पे मार्क किया. देखो अब देखो अब जस्ट नोटिस करो आप कि मैं सही लिख रहा हूँ नहीं. आप अपनी तरफ से नोटिस करना. ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो बताना. ओमेगा टेंजेंशियली होगा यहाँ पे, हर जगह ओमेगा विल बी टेंजेंशियली. आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल बेसिकली. ओमेगा टेंजेंशियली, ओमेगा टेंजेंशियली. आपको समझ आ रहा है? देखो तो एक बार डायग्राम को. Are you able to understand it? Yes sir. ठीक है? हर एक पॉइंट के पास टेंजेंशियली ओमेगा आर का वेलोसिटी दिखा दिया. अब ये दोनों चीज साइमल्टेनियसली हो रहा है या अलग अलग हो रहा है, आप ये बताओ मुझे. साइमल्टेनियसली, क्योंकि ट्रांसलेशन रोटेशन का मतलब ये दोनों को साइमल्टेनियस करना है आपको. तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों डायग्राम को सुपर इम्पोज करना है. सुपर इम्पोज करने का मतलब क्या है, अब देखो वो चीज दिखा रहा हूँ. अब आपको क्या करना है, ये वाला डायग्राम जो है पहला वाला डायग्राम, ये देखो मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ. ठीक है, दूसरा वाला डायग्राम, इसको इसके ऊपर ओवरलैप करवा देंगे. थोड़ा सा डायग्राम में साइज डिफरेंट हो गया इसलिए थोड़ा सा अलग दिख रहा है. एनीवेज आपको आइडिया तो क्लियर हो जाएगा. आपको समझ आ रहा है? देखो तो डायग्राम देखो, आपको समझ आ रहा है? हाँ सर. देखो जैसे ऊपर वाले पॉइंट पे अगर टॉप मोस्ट पॉइंट को अगर आप देखोगे तो वी और ओमेगा देखो एक ही तरफ है, आपको दिख रहा है? हाँ सर. बॉटम मोस्ट पॉइंट पे देखो वी और ओमेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में है. जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है उसमें देखो वी और ओमेगा परपेंडिकुलर है और जो थीटा एंगल पे लिया था वो वी और ओमेगा देखो इंक्लाइंड है, दिख रहा है आपको? यस सर. तो बस ये सारी चीजों को आपको क्या करना था, आपको सुपरइम्पोज करना था. मतलब इसी को आपको क्या करना है, इसी को रिजल्टेंट ले लेना है. तो मैं इसको हटाता हूँ एक बार क्योंकि वो डायग्राम थोड़ा डर्टी दिख रहा है. तो अब मैं इसको अपनी तरफ से खुद से लिख देता हूँ यहाँ पे.
उसके साथ कंधा दिख रहा है, तो ये वी है, तो अब इन दोनों को सुपर इम्पोज करने के बाद ये वी प्लस ओमेगा हो रहा है, हो रहा है ना? हाँ सर हो रहा है। दूसरे वाला जो थीटा एंगल पे पॉइंट था उसका थोड़ी देर बाद लिखते हैं, पहले बाकी वाला पॉइंट लिख देते हैं। ये ओमेगा नीचे की तरफ, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा that will be along the diagonal of v and omega r. This will be root under v square plus omega r ka square ho jayega. Correct hai na? Bottom most point pe omega r is opposite direction mein. To isko likh sakte hain v minus of omega r. Theek hai? And horizontal line pe jo dusra wala hai isko humne omega r mark kar rakha hai. To v aur omega r ka jo resultant aayega that will be along the diagonal again. To isko likh sakte hain this is again root under of v square plus omega r का square हो जाएगा। I hope यहाँ तक तो clear है, ठीक है? हाँ sir। तो नीचे वाले point में v मतलब omega r से greater होगा या फिर मतलब depend कर सकता है? वो तो depend करता है ना बेटा। अभी हाँ, अगर supposedly मैंने गलत भी लिखा है, मान लेते हैं कि उल्टा था, let us say कि omega r v से बड़ा था, तो क्या ये value negative नहीं आएगा? हाँ sir आ जाएगा। और अगर negative आया इसका मतलब तुम्हारा chosen direction के उल्टा है? Yes, sir, yes, sir. तो किधर आ गया वेलोसिटी की तरफ आ गया ना? हाँ सर ठीक है, तो तुम जो सोच रहे थे वो भी जस्टिफाई हो रहा है इससे? हाँ सर ठीक है। अभी थीटा एंगल वाला जो पॉइंट है उस पे वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है? थीटा एंगल वाला जो पॉइंट है उस पे जो वेलोसिटी होगा, देखो ये ओमेगा टेंजेंशियली होगा ना, होगा? हाँ सर। अब आपको क्या करना है, ये वी और ओमेगा जो है उनका वेक्टर सम करना है। तुम देखो वी और ओमेगा के बीच में एंगल जो होगा क्या वो थीटा है, क्या चेक करो तो है क्या? हाँ सर थीटा है, क्योंकि आप सोच के देखो रेडियस जितने एंगल से टर्न करोगे आप, तो टेंजेंट भी उतने एंगल से टर्न करेगा नहीं करेगा? हाँ सर हाँ, वही चीज तो दिखा रखा है। अब ये वी और ओमेगा आर का आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी का निकालना है, तो अब फिर से पैरेललोग्राम आपको यूज करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम लॉ जो वेक्टर एडिशन का है। सो यहां से आपको यहां की वेलोसिटी मिल जाएगी, एंड दिस विल बी द वेलोसिटी एट आर्बिट्री पॉइंट थीटा, और इसको एग्जैक्टली वेक्टर एडिशन से आपको निकालना पड़ेगा। सो दिस विल बी वी एट थीटा, and this v at theta will be root under of v square plus omega r ka square and plus twice of v into omega r into cos of theta. Got it? Clear hai sabko? Yes sir. I hope sabko samajh aa rahi hai. Haan sir. Haan sir. बड़ा कर दिया ताकि आपको ध्यान रहे, क्लियर से दिखे। सो हमने जो स्टेप्स फॉलो किया वो याद रखना, ट्रांसलेशन अलग रोटेशन अलग, एंड फिर ट्रांसलेशन और रोटेशन को आपको कंबाइन करना है, ठीक है? मतलब सुपर इम्पोज करना है। तो मैं इसको दिखा देता हूँ, स्टेप्स हमने जो फॉलो किया, इसका ट्रांसलेशन वाला पार्ट इधर लिया है और रोटेशन वाला पार्ट इधर लिया है, एंड देन फिर इनका सुपर इम्पोजिशन आपका ये डायग्राम है, ये सुपर इम्पोज हो गया। सुपर इम्पोजिशन, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो एक बार, मुझे कोई डाउट मुझे कोई दिक्कत नहीं है फिर से बताने में, बट आगे चल के फिर दोबारा ये मत पूछना, यहां से जब निकल जाएंगे तो दोबारा मत पूछना। क्लियर है सबको? हाँ सर ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक बात छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ सर, यहाँ पे हम लोग जो सुपर इम्पोज कर रहे हैं मतलब एक दूसरे मतलब ट्रांसलेशन और रोटेशन का एक दूसरे में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ही तो ये कर सकते हैं ना? बिल्कुल ये कर सकते हैं। तुम ऐसे सोचो, मैं तुमको एक बेटर तरीका सोचने का बताता हूँ। इमेजिन करो कि तुम खुद सेंटर ऑफ मास पे बैठे हो, तो तुमको क्या ट्रांसलेशन दिखेगा? नहीं दिखेगा सर, नहीं दिखेगा। जैसे तुम सोचो कि तुम अगर एक जैसे एक बाइसाइकिल चल रहा है आगे की तरफ, तो तुम बाहर से देख रहे हो तब तो तुमको बाइसाइकिल का चक्का आगे आगे ट्रांसलेट भी करता हुआ दिख रहा है, घूमते हुए भी दिख रहा है। बट इमेजिन करो तुम अगर चक्के के एक्सल पे खड़े हो, तो क्या तुमको ट्रांसलेशन दिखेगा? नहीं दिखेगा सर।
तुमको सिर्फ क्या दिखेगा, रोटेशन दिखेगा, और रोटेशन में तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखना है, ये सेकंड वाला डायग्राम दिखना है या नहीं, इस मेरे पेज में जो अभी दिख रहा है उसका सेकंड वाला डायग्राम? हाँ सर। उसके बाद ये तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में हुआ, बट अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है तो तुम्हारा जो वेलोसिटी था, मतलब एक्सल का जो वेलोसिटी था, उसको मुझे वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा या नहीं? हाँ सर पड़ेगा। तो वही चीज तो वेक्टोरियली ऐड किया, वही तो सुपरपोजिशन बन रहेगा। हाँ सर समझ आ रही है। तो इसका मतलब कि जो सेकंड डायग्राम है, दैट सेकंड डायग्राम इज वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू COM, एंड द फर्स्ट डायग्राम इज द वेलोसिटी ऑफ COM व्हिच इज डेफिनेटली विद एवरी अदर पॉइंट व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। आर यू गेटिंग इट? सेकंड वाला मैं क्या बोला? मैंने बोला कि जितने भी पॉइंट्स हैं इस सिस्टम में, उन सब के पास सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ना। ओ हां सर, हां सर, हां। तुम बस में हो और बस मूव कर रहा है, तो तुम बस के साथ साथ मूव कर रहे हो ना भाई? हाँ सर, हाँ सर। और उसके बाद फिर तुम बस में आगे चलो पीछे चलो, उससे तुम्हारा रिजल्टेंट वेलोसिटी चेंज होगा, बट बस का फ्रेम का वेलोसिटी तो तुम्हारे पास बाय डिफॉल्ट है। हाँ सर है। तो वही चीज यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ कि इसमें सोचो कि ये जो सेंटर ऑफ मास है वो बस है, और ये बस क्या कर रहा है, सारे पार्टिकल्स को कैरी कर रहा है आगे की तरफ। तो एक है कि सारे पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कैसे मूव कर रहे हैं, तो वो सारे जो है वो गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, तो वो गोल गोल चक्कर काटता हुआ मैंने वेलोसिटी सबके लिए निकाल लिया, और उसके बाद फिर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी को मैंने क्या किया, वेक्टोरियली ऐड कर दिया। हाँ सर, मतलब ये दो मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस जैसे है, एक दूसरे में कोई मतलब इफेक्ट चेंज नहीं कर रहा, उसका रोटेशन उसके वेलोसिटी। हाँ, ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों एकदम बिल्कुल इंडिपेंडेंट फेनोमेना है, उनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने आपको केस करा रखा है, इसमें आपको एक चीज का जस्ट ध्यान रखना है कि जैसे अगर कभी भी आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो रहा है, और उसके साथ उसने एक टर्म यूज किया, उन्होंने कह रखा प्योर रोलिंग हो रही है, दे हैव गिवन यू दैट प्योर रोलिंग इज टेकिंग प्लेस, सपोजली उसने ऐसा कह रखा है प्योर रोलिंग हो रही है, तो प्योर रोलिंग होने का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्फेस पे ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन करता हुआ दिखता है, और अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट स्लिप नहीं करता है, if the point of contact of the object undergoing translation plus rotation does not slip over the surface on which it is undergoing the motion, then the motion is said to be pure rolling. To pure rolling, jabhi bhi aapko term samajh mein aaye to samajh jana ki us object ka surface ke respect mein koi slipping nahi ho raha hai, matlab relative velocity of the point of contact with respect to surface zero hona chahiye, kyunki agar relative velocity with respect to point of contact zero nahi hua to slipping to ho hi jayega na। जैसे अगर तुम्हारे हाथ के सरफेस में ही सोचो, तुम अपने लोअर हाथ के रेस्पेक्ट में ऊपर हाथ को रखो, और अगर ऊपर हाथ को तुम स्लाइड कर रहे हो लोअर हाथ के रेस्पेक्ट में, तो ऑब्वियसली दोनों का पैरेलल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो सेम है क्या, डिफरेंट है? डिफरेंट होगा ना, अगर स्लिपिंग हो रही है, स्लिपिंग हो रही है मतलब डिफरेंट है। तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सर्फेस पे अगर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों चल रहा है, और उस केस में अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट स्लिप नहीं कर रही है, तो उसको कहते हैं प्योर रोलिंग। जैसे नॉर्मली चक्का चलता है गाड़ी में जो चक्का होता है और जो रोड पे चलता है वो, तो क्या स्लिप करता हुआ चलता है या बिना स्लिप किए हुए चलता है? स्लिप किए हुए चलता है। बिना स्लिप किए हुए चलता है या स्लिप किए हुए चलता है? स्लिप किए हुए चलता है। स्लिप किए हुए चलता है? तुम पागल हो गए हो, तुमने ध्यान से कभी देखा ही नहीं है इसका मतलब चक्का को। स्लिप करके चलता है वो चक्का, जस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट उठता जाता है। हाँ सर, उठता जाता है। हाँ सर, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट चेंज होता रहता है। हाँ सर, दैट्स इट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट खाली चेंज होता रहता है, वो स्लिप कहाँ करता है? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का ही एक स्पेशल केस है या नहीं है? Awesome. So pure rolling, it's a special case of translation plus rotation. It's a special case of translation plus rotation of an object where the object does not slips over the surface on which it rolls.
on which it rolls. Thus, the relative velocity of point of contact of the rolling object with respect to surface has to be zero. ठीक है, अब आपको इसका डायग्राम करके दिखाते तो आपको बेटर समझ आएगा. जैसे इमेजिन करो कि ये वो रोलिंग ऑब्जेक्ट है हमारे लिए, और इमेजिन करो इसको एक प्लैंक के ऊपर रखा हुआ हमने. दिस इज प्लेस्ड ओवर अ प्लैंक एंड प्लैंक इज आल्सो प्लेस्ड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. नाउ द प्लैंक इज मूविंग फॉरवर्ड विद सम वेलोसिटी से, मान लेते हैं वी वेलोसिटी ऑफ प्लैंक के लिए वीपी मान लेते हैं, एंड सेंटर ऑफ जो स्फीयर है इसकी वेलोसिटी को मान लेते हैं वी ए, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है, एंड रेडियस ऑब्वियसली आपको नोन क्वांटिटी है, द रेडियस इज अ नोन क्वांटिटी. अब आपसे पूछा कि बताओ प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या होगा, व्हाट इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग. तो कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग आपको क्या बताया कि वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो दोनों का, सर्फेस का और ऑब्जेक्ट का, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना, तभी तो स्लिपिंग नहीं होगा. तो आप क्या करो वहां पे दो पॉइंट चूज करो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एक जो ऑब्जेक्ट पे हो और दूसरा जो सरफेस पे हो. देखो मैं दो पॉइंट चूज किया, आपको दिख रहा है रेड कलर के डॉट से? हाँ सर. आर यू एबल टू सी इट? यस सर. ठीक है, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. एक बार इस पार्ट को रिपीट कर सकते हैं सर, मैं डिस्कनेक्टेड हो गया था. मैंने बोला कि दो पॉइंट अभी मैंने चूज किया है, एक पॉइंट रोलिंग ऑब्जेक्ट पे चूज किया है और एक पॉइंट मैंने सरफेस पे चूज किया जिस पे ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है. और सिंस कंसेप्ट मुझे ये पता है कि रोलिंग ऑब्जेक्ट में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होती है वहां पे स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, तो जो दो पॉइंट मैंने बना रखा है डॉट की तरह, उन दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए. अगर उन दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हुई तो डेफिनेटली वहां पे स्लिपिंग स्टार्ट होगा. समझ आई? हाँ ठीक है. हाँ, अभी आप डायग्राम चेक करो, अगर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी निकालू तो ट्रांसलेशन की वजह से फॉरवर्ड है ना, है या नहीं है? है सर. हाँ ठीक है, तो ट्रांसलेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी इज फॉरवर्ड, एंड रोटेशन की वजह से देखो किस तरफ है, बैकवर्ड है ना, ओमेगा दिख रहा है आपको? यस सर. ओमेगा इज बैकवर्ड्स, तो ये ओमेगा आपको बैकवर्ड्स दिखेगा. ये देखो ओमेगा बैकवर्ड्स दिखा रहे हैं, एंड जो सरफेस का पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी तो वीपी रहेगा ना, क्योंकि वो तो प्लैंक के साथ है. हाँ सर. होगा, तो अगर मैं इनको दो पॉइंट्स की तरह मान लेते हैं, ए और बी मान रहे हैं, तो कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ए शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, बोल सकते हैं ना, है ना? यस सर. सो दिस इज कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, दिस इज कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग. कोई अगर आपसे पूछे प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या है, तो आपको ये नहीं बोलना वी ए इक्वल टू वी बी, आप बोलेंगे कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहां पे है, मतलब रोलिंग ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट है जो सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में है, और सरफेस का जो पॉइंट है, उन दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, दैट्स इट. या फिर आप ये बोलो कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस हैज टू बी जीरो. आई होप आपको समझ आ रही है. हां सर. यस सर. तो इस केस में कंडीशन क्या बना आपके पास, कंडीशन आपके पास बना वी माइनस ओमेगा ये पॉइंट ए का वेलोसिटी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू वी पी. समझ आया आपको? हां सर. यस सर. ठीक है, अब इसमें इसमें एक और स्पेशल केस ये बनता है कि नॉर्मली आपको जो सिचुएशन जो मिलेगा, आप जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो आप इनकाउंटर करोगे वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो फिक्स सरफेस पे रोल करता है. फिक्स सरफेस मतलब जैसे ग्राउंड के सरफेस पे रोल कर रहा है, या एक टेबल है जो कि फिक्स पड़ा हुआ है उस पे रोल कर रहा है, या फिर इंक्लाइन प्लेन फिक्स है उस पे रोल कर रहा है. तो फिक्स सरफेस पे रोल करेगा तो पॉइंट बी जो होगा क्या वो रेस्ट पे होगा या नहीं? हां सर. राइट, और पॉइंट बी अगर रेस्ट पे हुआ तो वी माइनस ओमेगा कितना हुआ, जीरो हुआ नहीं? जीरो. राइट, और अगर वी माइनस ओमेगा जीरो इसका मतलब वी की वैल्यू कितनी है, ओमेगा है या नहीं है? हां सर. हां ओमेगा है. राइट, तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि प्योर रोलिंग का मतलब होता है कि वी इक्वल टू ओमेगा होना चाहिए, क्या ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है? गलत है सर. गलत स्टेटमेंट है. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट कंडीशनली. कंडीशन क्या है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज रोलिंग ऑन अ फिक्स्ड सरफेस then this is a correct statement, but if the object is rolling on a surface which is already translating, then this is certainly incorrect. I hope aapko samajh aa gayi.
यस सर यस सर ठीक है तो ये आपको अलग से मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ ठीक है इफ द ऑब्जेक्ट रोल्स ऑन अ फिक्स सरफेस ऑन अ फिक्स सरफेस देन velocity of point B will be zero and therefore for pure rolling V minus of omega R has to be equal to zero and therefore V has to be equal to omega R. I hope आपको समझ आ गई है. हाँ सर. ठीक है. So ये ध्यान रखना कि V equal to omega R ये condition of pure rolling नहीं है. This is a special condition of pure rolling where the object has to roll on a fixed surface. ठीक है, rolls on a fixed surface. ठीक है, तो ये वाला केस को मान करके मैं अब आपको कुछ रिजल्ट्स आपको दिखाता हूँ. ये देखिए आप. So rolling on a fixed surface अब आपको दिखा रहा हूँ. Rolling on a fixed surface. So they've given us the translational velocity as V and angular velocity as omega. Okay? And we are supposed to find out the velocity of each and every point in this object. ये एंगल थीटा नहीं रखा है तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में मार्क कर रहा हूँ. इन सारे पॉइंट्स का वेलोसिटी निकालना है मुझे. अच्छा दिस इज प्योर रोलिंग, आप ध्यान रखना. ठीक है, दिस इज प्योर रोलिंग. प्योर वर्ड ऐड कर लीजिएगा. रोलिंग ऑन अ फिक्स सरफेस क्या है? प्योर ऐड कर लीजिएगा. प्योर रोलिंग ऑन अ फिक्स सरफेस. ओके, देखो डायग्राम चेक करो आप. इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा. आई होप आपको डायग्राम पूरा क्लियरली विजिबल है. हाँ सर. ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी जो होगी वो वी प्लस ओमेगा हो जाएगी? हाँ, होगी नहीं होगी? हाँ सर, यस होगा. तो ये हो गया वी प्लस ओमेगा और ओमेगा वर वाज ओमेगा इनटू आर वाज ऑलरेडी वी, तो क्या इसको 2v लिख सकते हैं? हां सर. ठीक है, ओके. ये तो देखो हॉरिजॉन्टल वाले लाइन पे, देखो हॉरिजॉन्टल वाले लाइन पे टेंजेंशियली आपको पता है दिस विल बी ओमेगा आर व्हिच इज ऑलरेडी वी एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ट्रांसलेशन की वजह से जो वेलोसिटी है दैट इज आल्सो वी और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इजंट इट ऑबवियस रिजल्टेंट रूट 2v हो जाएगा? यस सर. ठीक है, तो रिजल्टेंट बिकम्स रूट 2v. Root 2 times V, और root 2 times V मतलब कि horizontal से angle अगर निकालोगे तो 45 degree पे आएगा. Okay, bottom most point का velocity obviously आपका zero होगा क्योंकि V और omega are opposite direction में, मतलब आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं. Translation का भी आगे की तरफ होगा, translation की वजह से आगे की तरफ V होगा and rotation की वजह से backwards direction में भी omega R होगा और omega R का value V से match करता है इसीलिए ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे. ये समझ आया आपको? हाँ सर. ठीक है, ओके. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो दूसरा पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो दूसरा पॉइंट है उसमें भी आपका रोटेशन की वजह से ओमेगा आर एंड ट्रांसलेशन की वजह से वी और इन दोनों का रिजल्टेंट आपका रूट टू वी क्योंकि ओमेगा आर इज ऑलरेडी नोन टू बी वी तो ये आपका रूट टू वी हो जाएगा एंड दिस इज ऑब्वियसली एट 45 डिग्री. ठीक है, ओके. अभी आप थीटा एंगल वाले पे निकालते हैं. थीटा एंगल पे निकाले तो ट्रांसलेशन का भी एंड रोटेशन का टेंजेंशियली ओमेगा और ओमेगा आर का मैग्नीट्यूड खुद कितना है? वी है ना? है ना? हाँ सर. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रिजल्टेंट बाइसेक्टर लाइन पे होगा? हाँ सर. हाँ सर.
जब भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आप लेते हैं और दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर पे ही होगा, तो दोनों का कंपोनेंट निकाल के कर सकते थे ना इसमें, कर सकते हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो देखो इससे आसान हो जाएगा, तो इसलिए वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू भी कॉस थीटा वो नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो डायरेक्टली ये लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी दिस विल बी वी, इसको पी कह लेते हैं, वी पी दैट विल बी ट्वाइस ऑफ वी इनटू कॉस ऑफ थीटा बाय टू, सही है ना? हाँ सर, ठीक है। अब आते हैं डायगनली ऑपोजिट पॉइंट जो यहाँ पे क्यू है, इसको क्यू मान लेते हैं, क्यू वाले पॉइंट पे, ठीक है, क्यू पे निकाल रहे हैं ट्रांसलेशन का वी एंड रोटेशन का ओमेगा। फिर से देखो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और रिजल्टेंट बाइसेक्टर पे होगा, क्या फिर से कह सकते हैं? हाँ सर, हाँ सर। ये देखो ये हो गया इसका बाइसेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना था, वी और ओमेगा के बीच का एंगल कितना था? हाँ सर, क्या बोले? वी और ओमेगा के बीच का एंगल कितना था? पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा था ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से अगर देखोगे तो ओमेगा का जो इंक्लिनेशन है ये आपका थीटा है, तो रिमेनिंग एंगल कितना हो गया? पाई माइनस थीटा, और पाई माइनस थीटा का बाइसेक्टर मतलब पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, तो ये जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, तो इधर से भी पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू और इधर से भी पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू आएगा, और उसके बाद फिर रिजल्टेंट हो गए तो वेलोसिटी एट क्यू जो आएगी दैट विल बी ट्वाइस ऑफ वी इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बाई टू मतलब साइन थीटा बाई टू, समझ आई आपको? हाँ सर, हाँ ठीक है। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो अपर हाफ में अगर आप जाओगे, अपर हाफ में, तो अपर हाफ में एवरी पॉइंट विल हैव अ वेलोसिटी ग्रेटर देन वी, एंड लोअर हाफ में एवरी पॉइंट विल हैव अ वेलोसिटी लेसर देन वी, दिख रही है? दिख रही है? हाँ सर, हाँ सर। क्योंकि अपर हाफ में जो वी और ओमेगा के बीच का एंगल है वो एक्यूट है, और एक्यूट होने से रिजल्टेंट जो आएगी वो वी और ओमेगा दोनों से बढ़ाएगा, और ओमेगा भी तो वी है ना, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया? वी से बड़ा हो गया। बट अगर नीचे वाले हाफ में देखोगे तो वी और ओमेगा के बीच में जो एंगल बन रही है वो ऑब्ट्यूज बन रही है, और ऑब्ट्यूज एंगल होने पे जो रिजल्टेंट आएगी वो ए से भी छोटी होगी और बी से, जैसे ए और बी दो वेक्टर है तो उन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ए और बी दोनों से छोटा होगा, और ए और बी दोनों से छोटा हुआ इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यहाँ पे बी से छोटा हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? यस सर। तो इस रोलिंग ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं बोलूं, जैसे ऊपर हाफ और लोअर हाफ दो हाफ अगर डिवाइड करें स्फीयर्स के लिए, तो अपर हाफ का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगा या लोअर हाफ का? अपर हाफ का सर। अपर हाफ का। राइट हाफ का ज्यादा आएगा या लेफ्ट हाफ का? इक्वल आ जाएगा। इक्वल आएगा, क्योंकि राइट हाफ में जो पार्ट है लेफ्ट हाफ में एग्जैक्टली उसका रेप्लिका है, बस डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग है। जैसे अगर आप देखोगे तो जो हॉरिजॉन्टल लेवल पे दो पॉइंट मार्क किया जिसमें रूट टू वी लिखा है मैंने, उसमें एक है ऊपर की तरफ जा रहा है रूट टू वी से और एक है क्या है नीचे की तरफ जा रहा है रूट टू वी से, है ना? हाँ सर। बट अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तब तो स्पीड ही मैटर करता है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन थोड़ी ना मैटर करता है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी अपर हाफ का लोअर हाफ से ज्यादा आएगा, बट राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ का क्या आएगा? आपका सेम आएगा। आई होप आपको समझ आएगी सारी चीजें। हाँ सर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, मैं जस्ट लिख देता हूं यहाँ पे जो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इन अपर हाफ इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इन लोअर हाफ, इन लोअर हाफ, ठीक है। दूसरी चीज, देखो काइनेटिक एनर्जी अपर हाफ ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लोअर हाफ, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ लेफ्ट पार्ट, या लेफ्ट हाफ कर लेते हैं, लेफ्ट हाफ इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइट हाफ। चलो ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया। अब देखो इसको एक करने का ना एक आसान एक और इंटरेस्टिंग तरीका दिखाता हूं। जैसे इसमें जो हम कर रहे हैं वो किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों कंसिडर कर रहे हैं ना, कर रहे नहीं कर रहे? हाँ सर। अच्छा एक चीज ये बताओ, मैंने आपको सोचने का तरीका क्या बताया था?
आपको सोचने का तरीका ये बताया था कि पहले आप सोचो कि आप अपने आप को सेंटर ऑफ मास पे सिचुएट करते हो, तो वहां से देखते हो तो आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो गोल गोल घूमता हुआ अपीयर होता है, और गोल गोल घूमता हुआ अगर अपीयर हो रहा है तो उस केस में ओमेगा टेंजेंशियली हर जगह पे लगा दिया, और उसके बाद फिर जब आपको ग्राउंड के एस्पेक्ट में निकालना है तो ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी को आपने वेक्टोरियली ऐड किया, यही किया ना आपने? ये काम हम किसी और आर्बिट्री पॉइंट से भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं, जैसे कोई आर्बिट्री पॉइंट अगर हमने चूज कर लिया तो उस आर्बिट्री पॉइंट मतलब अगर ये रोलिंग ऑब्जेक्ट पे ले लें तो जैसे चक्के में कहीं पे भी आप बैठ जाओ तो चक्के में कहीं पे भी बैठोगे तो गोल गोल घूमता हुआ तो दिखेगा ही वो, है ना? समझ आ रही है आपको? हाँ सर। तो आपको क्या करना है, जैसे अगर सपोजिटली इमेजिन करो कि अगर मैं सेंटर पे नहीं बैठ के अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे बैठता, सपोजिटली बॉटम मोस्ट पॉइंट पे बैठते तो क्या मुझे ये ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन टर्न होता हुआ दिखता है नहीं दिखता? एक मिनट मैं इसको करके दिखाता हूं तो आपको बेटर समझ आएगा। एक मिनट आप मुझे देखो, जैसे ये सरफेस है, इमेजिन करो ये सरफेस है और इमेजिन करो ये रोलिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये रोलिंग ऑब्जेक्ट है, तो देखो रोल, जब ऑब्जेक्ट रोल करता है तो उस केस में क्या होता है ना, ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये ढक्कन है, ठीक है? ये रोलिंग रोल करता हुआ दिखा रहा हूँ, तो रोल कर रहा है तो ये क्या होगा, ऐसे रोल करता हुआ जाएगा, ठीक है? तो इसमें देखोगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लगातार चेंज हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है। तो ये है आपका रोलिंग, तो बाहर से देखने पे आपको दिख रहा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लगातार चेंज हो रहा है, तो ट्रांसिशन प्लस रोटेशन का केस है ये, ठीक है? अब इस केस में क्या है कि अगर इमेजिन करो कि अब आप सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर देखते, सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे जहाँ पे कॉन्टेक्ट हो रहा है सिर्फ उसको देखो, सिर्फ उस पर बैठ के देखते तो आपको क्या दिखता है, ये प्योर रोटेशन के केस का दिखता है, नहीं दिखता? इसकी वेलोसिटी जहां पे ये कॉन्टेक्ट बना रहा है दिख रही है आपको? आई गेटिंग इट? जहां पे कॉन्टेक्ट ये मेन कर रहा है, जहां पे ये कॉन्टेक्ट बना रहा है उसके रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो जैसे आपको ऐसा अपीयर होगा जैसे कोई हिंज से आपने क्या कर रखा है, एक ऑब्जेक्ट को जैसे लटका देते हैं, जैसे सोचो कि ये ऑब्जेक्ट लटकी हुई है, जैसे ये सोचो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है लटकी हुई है, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर आप ऐसे सस्पेंड कर देते हो और उसके बाद फिर इसको ऐसे घुमाते हो तो इस इंस्टेंट पे सोचो जब ये घूमता है तो उस इंस्टेंट पे इसका जो रेप्लिका होगा, ऐसे सोचे देखो ये ऐसे घूम रहा है, इसका मिरर इमेज ड्रॉ करो, इसका मिरर इमेज ऊपर की तरफ ड्रॉ करो ऐसा, तो इस केस में क्या होता है, ये ऐसे कुछ जाता होता ही नहीं होता? हाँ सर। हाँ सर। आर यू गेटिंग इट मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ये देखो मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने बोला कि ये नीचे की तरफ सोचो कि ये पेंडुलम बॉब है और ये पेंडुलम बॉब को सोचो ऐसे की तरफ घुमा रहे हो, ठीक है? मतलब कोई भी एक रिजर्व ऑब्जेक्ट, जैसे आप सोचो कि वो आपका रोलिंग ऑब्जेक्ट ही होता सपोजली, ऐसा शेप आप इमेजिन नहीं करो, आप ऐसे सोचो कि ये कोई एक बॉल ही है जो यहाँ पे इसको मैंने एक्सिस के वो चेंज कर दिया है और इसको यहाँ से ऐसे करके मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है? ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है? तो ये प्योर रोटेशन का केस है या नहीं, आप ये बताओ मुझे, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होता है, ठीक है? अब इसको क्या करो, आप इसका रेप्लिका अब मिरर इमेज की तरफ आप ऊपर ले लो, तो अब इसका मोशन कैसा दिखता है आपको, ऐसा दिखता है या नहीं दिखता? हाँ सर। और एग्जैक्टली यही हो रहा है, नहीं रोलिंग सरफेस पे सोचो, रोलिंग सरफेस पे क्या दिख रहा है आपको, इस जिस वक्त वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उस वक्त, तो उस वक्त उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, जीरो है या नहीं है? तो उस वक्त आपको ऐसा दिखेगा ना, ऐसे टर्न कर रहा है इसके अबाउट प्योर रोटेशन की तरह। तो उस इंस्टेंट पे मैं कह रहा हूँ, उस इंस्टेंट पे वो प्योर रोटेशन की तरह दिखेगा उस पॉइंट के अबाउट जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बना हुआ है। आर यू गेटिंग इट? यस सर। यस सर। तो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, इसको हम इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रेस्ट भी कहते हैं या इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रेस्ट कहने का मतलब है कि बेसिकली ये इस इंस्टेंट पे रेस्ट पे है और इस वजह से इसके अबाउट अगर देखोगे, इसके अबाउट अगर आप अपने मोशन को एनालाइज करोगे तो प्योर रोटेशन दिखेगा। तो आपको ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रोटेशन करो आंसर आ जाएगा। आपको समझ आया क्या बोला मैंने? हाँ सर। ठीक है, अब मैं आपको वो करके दिखाता हूँ, देखो अब आपको काफी आसानी से काम होगा। देखो ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर आप डाइवर्टेड हो तो प्लीज कंसंट्रेट करके सुनो, क्योंकि मैं आपका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं कोई कितना ध्यान से सुन रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जैसे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसमें जो इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट, कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेस्ट, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे, ठीक है? लगातार रेस्ट पे नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस रेस्ट मतलब उस इंस्टेंट पे मोमेंटरीली, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस पर्टिकुलर
point is said to be instantaneous center of rotation. Instantaneous center of rotation कहते हैं। इसको next time से मैं सिर्फ और सिर्फ ICR लिखूंगा, instantaneous center of rotation. ICR का हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई बोले कि क्या मतलब निकलता है, तो पहला चीज मैंडेटरी कंडीशन है कि ICR खुद रेस्ट पे होना चाहिए, ठीक है? ICR itself will be at rest. This will itself be at rest. Itself at rest होना चाहिए, क्योंकि instantaneous center of rotation कहने का मतलब ही है कि वो instantaneous खुद rest पे है. And इसके about आपको पूरा का पूरा object का pure rotation दिखेगा. So object appears to be in pure rotation about this particular axis. Object appears, actually तो translation plus rotation है, but appearance ऐसा होगा, appears to be in pure rotation about this point. समझ आई आपको क्या बोला मैंने? Yes sir. हाँ sir. ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको बेटर समझ आएगा. देखो अभी थोड़ा, अगर आपको थोड़ा भी हेजिटेशन हो रहा है तो परेशान मत होइए, मैं जब करके दिखाऊंगा तो आपको पूरा 100% क्लियर हो जाएगा, मैं श्योर हूँ. सो ये मेरा रोलिंग ऑब्जेक्ट है, बट अब मैं मोशन को जो एनालाइज कर रहा हूँ, मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मैंने मार्क कर रखा है, दिस इज ICR, मतलब इसके अबाउट अब मुझे ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि प्योर रोटेशन पे है, ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग दिस. यस. ठीक है, तो आप ये इमेजिन करो, इमेजिन ऐसा करो कि इसके अबाउट अपने ऑब्जेक्ट को हिंज कर दिया है, मतलब फिक्स कर दिया, यहाँ पे ही एक्सेस लगा दिया है, तो घूम रहा है उसके बाद, तो अब तो ट्रांसलेशन नहीं है ना, अब जो भी है क्या है, रोटेशन है. समझ आ रही है आपको? तो आपको जिस भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो आप डायरेक्टली सिर्फ ओमेगा आर करना है आपको. अब आपको v प्लस ओमेगा आर, मतलब v और ओमेगा आर का वेक्टर सम नहीं करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ ओमेगा आर करना है, ठीक है? बस आपको r जो है रेडियल डिस्टेंस चाहिए कि पॉइंट कितने दूर पे है, उसका तुरंत से निकाल पाएंगे. और सिर्फ मैग्नीट्यूड मैच नहीं करेगा, देखो डायरेक्शन भी सब मैच करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. देखो मैंने जो जो पॉइंट्स लिया था पहले, फिर से वही सारे पॉइंट्स ले लेता हूँ, ठीक है? एक टॉप मोस्ट पॉइंट लिया था, एक थीटा एंगल पे पॉइंट लिया था, फिर हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक पॉइंट लिया था दोनों तरफ, और एक और थीटा एंगल पे नीचे की तरफ लिया था. यही सारे पॉइंट लिए थे ना मैंने? हाँ सर. ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या चाहिए, आपको रेडियल डिस्टेंस बस चाहिए सारे पॉइंट का. पहले आप ये बताओ कि ICR के रिस्पेक्ट में टॉप मोस्ट पॉइंट का रेडियल डिस्टेंस कितना है? 2R. तो उसकी वेलोसिटी आप कितनी लिखते हैं, आप ये बताओ मुझे. ओमेगा इनटू 2R. आर यू ऑल गेटिंग इट? यस सर. यस सर. ये देखो, इसकी वेलोसिटी जब लिखेंगे तो लिखेंगे ओमेगा इनटू 2R, व्हिच इज 2V और नॉट, क्योंकि ओमेगा आर का वैल्यू कितना था, V था ना? हां सर. हां ओके, अभी आप हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो पॉइंट है उसकी उसकी बात करते हैं, उसका डिस्टेंस वहां से रेडियल डिस्टेंस कितना है, √2R है ना? है ना? Yes, तो अब उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना है आपको, टेंजेंशियली इसके उस ICR के रिस्पेक्ट में, ठीक है? तो ICR के रिस्पेक्ट में जब टेंजेंशियली करोगे तो इसके साथ ये एंगल 90 डिग्री पे होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ओमेगा इनटू √2 टाइम्स ऑफ r. क्या ये √2 भी आ रहा है क्या, देखो तो आ रहा है. हां सर. और क्या ये एंगल 45 डिग्री भी आ रहा है? आ रहा है. हां सर. ठीक है, फिर वैसे ही आप दूसरा वाला भी निकाल सकते हैं. देखो इधर भी अगर निकालोगे तो सेम आएगा या नहीं आएगा, जैसे अगेन भी ओमेगा इनटू √2 टाइम्स ऑफ r, व्हिच इज बेसिकली √2 टाइम्स ऑफ v. आ रहा है. सेंटर ऑफ मास का अगर वेलोसिटी निकालते सेंटर ऑफ मास का, तो ओमेगा इनटू r करते, एंड ओमेगा इनटू r किया मतलब क्या आ गया, v आ गया. नहीं आया? हां सर. ओके, अब थीटा वाला पॉइंट पे आते हैं. ये इंटरेस्टिंग सा चीज है, देखो थीटा वाला पॉइंट पे, थीटा वाले पॉइंट पे जो हमने दिखा रखा है पॉइंट, उसका डिस्टेंस कितना है पहले ICR से, पहले ये बताओ ICR से उसका डिस्टेंस कितना है? वर sin थीटा / 2. गुड, sin थीटा / 2 या cos थीटा / 2? ये तो थीटा / 2 है ना, तो ये वाला जो लेंथ बनेगा ये तो आपका 2R into cos of थीटा / 2 बनेगा, है ना? ओ हां सर, वो वाला 2, ठीक है सर. हां
मैं उसी की बात कर रहा हूँ बेटा, ऊपर वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप नोटिस करोगे इसकी वेलोसिटी को जब हम मार्क करते, इसको हमने पी बोला था याद है उस वक्त, तो अगर मैं इसको पी कह रहा हूँ, दिस इज पॉइंट पी, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी क्या लिखोगे आप, ओमेगा इनटू 2r cos ऑफ थीटा बाय 2, व्हिच इज बेसिकली 2v cos ऑफ थीटा बाय 2। आ रहा है क्या, मैच कर रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। ओके, अभी आप दूसरे वाले का निकालो, ये चेक करो, ये वाला जो लाइन का लेंथ है, जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हमने q माना था वहां पे, यहां पे भी q मान लेते हैं, लेट अस से दिस पॉइंट इज q, ये से परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला लेंथ देखो आपको कितना है, ये लेंथ कितनी है, व्हाट इज दिस लेंथ, 2r sin थीटा बाय 2। हां सर, आप इसकी बात कर रहे थे ना और को तब? हां सर, हां, सो 2r sin थीटा बाय 2, तो इसकी वेलोसिटी जो आएगी, ये वाली वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट q, एंड दिस इज 2, सॉरी, ओमेगा इनटू 2r sin ऑफ थीटा बाय 2, व्हिच इज बेसिकली 2v sin थीटा बाय 2। देखो सबका मैच किया नहीं किया? हां सर, क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड मैच किया या डायरेक्शन भी मैच कर रहा है सबका, आप ये बताओ मुझे। दोनों मैच कर रहे हैं, सब कुछ मैच कर रहा है, एवरीथिंग इज मैचिंग। बट इस बार क्या मैंने ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों कंसीडर किया या सिर्फ रोटेशन कंसीडर किया? ओनली रोटेशन, ओनली रोटेशन। तो इस पॉइंट का एडवांटेज आपको समझ आ रहा है? इस पॉइंट का एडवांटेज क्या है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में है, वो वाला ऑब्जेक्ट हमें क्या अपीयर हो रहा है, प्योर रोटेशन में अपीयर हो रहा है, बताओ। तब तो हमारा आईसीआर फ्रेम है, सर वहाँ पे ये वाला ओमेगा और सीओएम के अबाउट रोटेशन वाला ओमेगा सेम कैसे है, वो समझ नहीं आ रहा। क्योंकि देखो एक रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए, एक रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए आप कोई भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस चूज करो, अगर ऐसे सोच के देखो, एक अच्छा वो आपने पूछ ही लिया एक क्वेश्चन को, जैसे इमेजिन करो कि कोई भी एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं एक आर्बिट्री लाइन मार्क करता हूँ, मान लेते हैं ये ए बी है, ठीक है, और एक और आर्बिट्री लाइन मार्क करता हूँ, मान लेते हैं ये सी डी है। अगर ये रिजिड ऑब्जेक्ट है तो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है ये फिक्स होगा या नहीं होगा? हाँ सर, फिक्स। अगर ये रिजिड ऑब्जेक्ट है तो एंगल फिक्स होना चाहिए। तो अगर मैं ए पे बैठ के देखूं और इसकी एंगुलर वेलोसिटी सपोजिटली ओमेगा वन है, और डी पे बैठ के देखूं इसकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टू है, अगर ओमेगा वन और ओमेगा टू डिफरेंट हुआ तो एंगल चेंज नहीं हो जाएगा इन दोनों के बीच का? ओ हाँ सर, हाँ, है ना? हाँ सर, समझ आ रही है। तो रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए ना, रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए जब भी आप एंगुलर वेलोसिटी, अगर आपको बोलते हैं एक रिजिड ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी अगर 4 रेडियन पर सेकंड बोल दिया, तो कभी भी ये मत सोचना कि किसके अबाउट ये 4 रेडियन पर सेकंड है। रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए हर पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी, रिजिड ऑब्जेक्ट है ये, समझ आ रही है। रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए एंगुलर वेलोसिटी इज identical about each and every point. Got it? हाँ सर, हाँ, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, आपका डाउट अच्छा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आपको आईसीआर समझ आया ना? Yes sir. हाँ सर. Okay. अब दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये सोचो, क्या ये आईसीआर हमेशा जरूरी है, क्योंकि ये हमेशा मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ही लाई करेगा, मतलब जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहीं पे लाई करेगा, क्या ये बाहर नहीं लाई कर सकता या अंदर नहीं लाई कर सकता? ये तो ऐसा मैंने केस कंसीडर किया ना जहां पे ऑब्जेक्ट फिक्स सरफेस पे रोल कर रहा था, है ना? हाँ सर। अब ये सोच के देखो एक इंटरेस्टिंग चीज, जैसे ऑब्जर्व करो तुम, जो है वेलोसिटी देखो इस डायग्राम में, ध्यान से देखो, ध्यान से इस डायग्राम को देखो, और कोई अच्छा ऑब्जर्वेशन बताओ मुझे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, कोई अच्छा ऑब्जर्वेशन, जैसे सबका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेक करो, सबका वेलोसिटी का डायरेक्शन और सबका जो आइस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉप किया है, सबका वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर चेक करो जो हमने ड्रॉप किया है वो सब जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहे हैं, वो कहां पे मिल रहे हैं? आईसीआर पे मिल रहे हैं, आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है? हां सर। तो आईसीआर को लोकेट करना भी इनडायरेक्टली आपको पता चल गया। अगर किसी ने आपको मान लो एक आर्बिट्री ऑब्जेक्ट दे रखा है जो कि किसी भी आर्बिट्री शेप का हो सकता है, रॉड हो सकता है, यू नो एक बॉल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कैसे भी शेप का, और उसको सपोजली आपने हवा में ही फेंक दिया, हवा में फेंक दिया, ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों का केस है, वो प्योर रोलिंग का केस भी नहीं है, ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों हो रही है, और इसके लिए अगर आपको आईसीआर निकालने के लिए बोल दें वो कि बताओ आईसीआर कहाँ पे है,
तो आपको बस दो चीज चाहिए, बस दो चीज, कोई भी दो पॉइंट लो इसमें जिसका आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन पता है, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन पता कर लो कि कोई भी दो पॉइंट का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, और इन डायरेक्शन ऑफ मोशन पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, जहां पे भी परपेंडिकुलर्स इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वही पर्टिकुलर पॉइंट क्या होगा, इसका आईसीआर बन जाएगा। आपको समझ आया क्या बोला मैंने? हां सर। ठीक है, सो यू नीड टू लुक, इफ यू वांट टू लोकेट द आईसीआर, इट डज नॉट नेसेसरीली नीड टू बी एट द इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इट कैन बी एनीवेयर विद इन द ऑब्जेक्ट और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ वी एंड ओमेगा, कि वी कैसा है ओमेगा क्या है, उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता हुआ ये वैल्यूज रीएडजस्ट होते, मतलब ये यू नो आईसीआर का लोकेशन जो है वो चेंज होता हो रह सकता है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर लाई कर सकता है, ऑब्जेक्ट के बाहर भी लाई कर सकता है। तो इसको लोकेट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि किसी भी दो आर्बिट्री पॉइंट का जो वेलोसिटी है उस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और परपेंडिकुलर जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वही लोकेशन आपका आईसीआर हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस कंसेप्ट। हां सर। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट है, मैं जस्ट ध्यान रखने के लिए बोल लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको याद रहना चाहिए, आईसीआर डज नॉट नेसेसरली need to be at the point of contact, it may lie inside the body or even outside it. Okay, to locate ICR, to locate ICR, drop perpendiculars on the direction of motion of any two arbitrary points on the object whose velocity is known and the point of intersection of these perpendiculars drawn gives ICR, ठीक है? इसको मैं एक डायग्राम से दिखाता हूं तो आपको बेटर समझ आ जाएगा। जैसे मान लो कि ये कोई भी एक आर्बिट्री ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये एक अपना रिजिड ऑब्जेक्ट है, ये हमारा रिजिड ऑब्जेक्ट है, बीच में खाली नहीं है, कोई भी रिजिड ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, और इस रिजिड ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, कोई भी दो आर्बिट्री पॉइंट का आपको वेलोसिटी दे देते हैं। Let us say, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी मान लो मैंने आपको दे रखी है, ये राइट की तरफ है, मतलब ऐसा कुछ इंक्लाइन करके, दिस इज पॉइंट ए एंड मान लो इसका वेलोसिटी भी ये मैंने दिखा रखा है, और यहाँ पे एक और पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे एक और पॉइंट है, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, और इसकी वेलोसिटी को मान लो मैंने इधर दिखा रखा है एंड दिस इज वेलोसिटी वी मान लेते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि आप बताओ इसका आईसीआर कहाँ है, तो आईसीआर लोकेट करने का क्या तरीका बताया आपको, दोनों पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दिख रहा है आपको, सबको दिख रही है? हाँ सर, हाँ सर। यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, देखो दीज टू आर परपेंडिकुलर, ठीक है, ध्यान रखो, देखो दोनों एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, आपको समझ आ रहा है, समझ आ रही है? हाँ सर। देखो यही उसका आईसीआर है, दिस इज आईसीआर, और इसके अबाउट आपका ऑब्जेक्ट जो है ये प्योर रोटेशन में है, आप ये मान सकते हैं, समझ आ रही है? तो इस केस में अगर एक डिस्टेंस सपोजिटली ए पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से आर वन है, तो वी ए का वैल्यू आप श्योर होकर लिख सकते हैं ये ओमेगा इनटू आर वन होगा, फिर दूसरा बी पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस सपोजिटली आर टू है, तो वी बी का वैल्यू श्योर होकर लिख सकते हैं आप ओमेगा इनटू आर टू होगा। आर यू गेटिंग द आइडिया? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, ओके, जैसे एक जगह जल्दी से इसको यूज करके देख लेते हैं, जैसे छोटा सा एप्लीकेशन देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको मोशन इन 2D में कराया था, कंस्ट्रेंट में कराया था, बट यहाँ पे वो अप्रोच नहीं यूज करेंगे जो कंस्ट्रेंट में मैंने यूज किया था, यहाँ पे आईसीआर वाला कंसेप्ट यूज करेंगे।
आपको डायग्राम देख के खाली बताना याद आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन याद आ रहा है कि नहीं, ठीक है? सिर्फ आपको ये बोलना है कि क्वेश्चन याद आया नहीं, क्या क्वेश्चन याद आ रहा है? हाँ सर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या था ये याद है आपको? हमने एक एंड का वेलोसिटी दे दिया था और दूसरे एंड का वेलोसिटी पूछा था, आपको याद है? हाँ हाँ, है ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, सपोजली एंगल थीटा है, मान लेते हैं कि हमारा जो लोअर एंड है उसको हम पुल कर रहे हैं वेलोसिटी थी से, और जो अपर एंड है उसकी वेलोसिटी हमें पूछी गई है। ये वेलोसिटी बताओ, अगर इसको वी डैश मान लेते हैं, ये वेलोसिटी वी डैश कितनी होगी? तो अब ये निकालना है आपको, क्या हम इसको निकाल सकते हैं क्या? ये रॉड का ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो रहा है या नहीं, पहले ये बताओ। दिख रही है? आप देखो सेंटर ऑफ मास राइट भी शिफ्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास नीचे भी आ रहा है, और ओरिएंटेशन तो चेंज हो ही रहा है, ये तो दिख ही रहा है। मतलब ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों का केस हुआ, राइट? यस सर। इसमें देखो सिर्फ दो ऐसे पॉइंट है जिनका आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन पता है, एक है लोअर मोस्ट पॉइंट और एक है टॉप मोस्ट पॉइंट, बट बाकी किसी भी पॉइंट का क्या आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन सर्टेनिटी पता है, कितना किस तरफ जा रहा है कौन सा पॉइंट? नहीं सर। तो अगर दो पॉइंट का मुझे डायरेक्शन ऑफ मोशन पता है तो उनपे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो इंटरसेक्शन से मुझे आईसीआर मिल जाएगा, नहीं? हाँ सर, मिल जाएगा। देखो मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे देखो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। देखो वे लोग जाके एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपको दिख रहा है? दिख रही है? तो इसका मतलब ये उसका आईसीआर हो गया। आप एक चीज नोटिस करो, ये आईसीआर हवा में है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। और इसके अबाउट आप मान सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ओमेगा से घूम रहा है। अब अगर ये ओमेगा से घूम रहा है और लेंथ ऑफ रॉड मान लेते हैं एल है, तो देखो तो ये लेंथ को क्या मैं एल साइन थीटा लिख सकता हूँ क्या इधर से, परपेंडिकुलर वाला लेंथ को, और जो हॉरिजॉन्टल वाला लेंथ है उसको क्या मैं एल कॉस थीटा लिख सकता हूँ? हाँ सर। तो देखो अगर मुझे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड भी पूछे तो फिर मैं तुरंत बता सकता हूँ, नहीं, दिस वी हैज टू बी इक्वल टू ओमेगा इनटू एल साइन थीटा और नॉट, राइट? यस सर। हां, इसका मतलब देखो यहां से आपको ओमेगा तुरंत पता चल गया, ओमेगा कितना हो गया वी बाय एल साइन थीटा, समझ आई आपको? हां सर। अब वी डैश निकालने के लिए क्या मैं ये लिख सकता था, वी डैश वुड बी ओमेगा इनटू एल कॉस थीटा लिख सकते थे क्या? यस सर। और ओमेगा तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, v by l sin थीटा है, तो उसको यूज कर लो, क्या आ रहा है ये v cot थीटा आ रहा है क्या? हां सर। हां आ रहा है। हां सर, आप एक बार वो वाला कंस्टेंट का तरीका भी यूज करके देखो, याद है कंस्टेंट का हमारा तरीका क्या था, v cos थीटा इक्वल टू v डैश sin थीटा, यही है ना, अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड वेलोसिटी सेम होना चाहिए। हां सर। हां, तो देखो मैच कर गया क्या? हां सर, मैच कर गया। बट इस तरीके से क्या आप एंगुलर वेलोसिटी निकाल पाते? नहीं ना, है ना। एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए वहां पे क्या तरीका आपने सीखा था कि रिलेटिव वेलोसिटी आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालो और जो सेपरेशन है उससे डिवाइड कर दो, याद है आपको? हाँ सर। हाँ, तो वो तरीके से निकालते तो काफी लंबा होता, और यहाँ से देखो एक लाइन में निकल गया, दिख रही है? हाँ सर। अब दूसरा सपोजिटली आपको पूछ लिया कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बताओ कितना होगा, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बता सकते हैं आप एकदम इजीली यहाँ पे आ जाएगा, एकदम इजीली। देखो और आपको बस सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से बताओ सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है यहाँ से आईसीआर से? बताओ। ज्योमेट्री बोलते बच्चे ना, एल बाई टू ही तो आएगा, क्योंकि l cos थीटा by 2 और l sin थीटा by 2 का स्क्वायर रूट ही तो लेना है ना? हाँ सर। वैसे तो रॉड के लिए, ये रॉड के लिए ये डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ मास का ये फिक्स्ड है, तो इस केस में इसमें जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी वो इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसी आएगी, आएगी नहीं आएगी? हाँ सर आएगी। दैट्स इट, सो दिस बिकम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज ओमेगा इनटू l by 2, एंड ओमेगा तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, so this becomes v by 2 times of sin theta, समझ आया? हाँ सर। I hope आपको ICR का concept समझ आ गया है। हाँ सर, एक question पूछना था सर। हाँ हाँ पूछो ना बेटा। सर ये जो ICR है, हम आप बोल रहे हैं ये हवा में भी हो सकता है, object के अंदर में भी हो सकता है, ये इसलिए ही तो हो सकता है ना कि ICR का
होने का मेजर कंडीशन है वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में होना चाहिए। हाँ, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे होना ये मैंडेटरी कंडीशन है, ये ध्यान रखना। इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे होना ये मैंडेटरी कंडीशन है, जो कि मैंने यहाँ कंडीशन में ऑलरेडी लिखाया, आपने ध्यान दिया होगा अगर तो। ये आईसीआर में देखो मैंने पहला चीज क्या लिखा है, इटसेल्फ रेस्ट पे होना चाहिए, और दूसरा है ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के अबाउट आपको प्योर रोटेशन पे अपीयर होता है, मतलब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो रहा होगा दुनिया के लिए, बट जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको प्योर रोटेशन दिखेगा। ठीक है सर, ये यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन है ये पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ही आईसीआर। एग्जैक्टली, ये जो कंडीशन है, मतलब पहले हमने देखा कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है रोलिंग ऑब्जेक्ट के लिए था, बट ये जनरलाइज करके सोचा तो ये सोचा कि हर बार तो सिचुएशन ये सही नहीं हो सकता कि हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट हवा में फेंका हुआ हो और उसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों दे दिया हो, तो उस केस में हम कैसे सोचेंगे। तो उस केस में ये सोचने में पता चल रहा है कि हर एक पॉइंट की वेलोसिटी पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे ये, और जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वही उसका आईसीआर हो जाएगा। समझ आइए सभी को? हाँ सर। ठीक है,